नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, हाँ मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। एक्सक्यूज मी जेंटल लेडी, एक्सक्यूज मी, दरअसल आप गलत दिशा में जा रही हैं, मुझसे टकराने से पहले आप उस दिशा में जा रही थी और अभी आप मेरे साथ चल पड़ी। गलत मैं नहीं, गलत तुम जा रहे हो, तुम उस दिशा में जा रहे थे, तुम इस दिशा में क्या कर रहे हो? शक्ल से तो तुम शरीफ नजर आते हो, इरादा क्या है तुम्हारा? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई, सर पीरा कहीं का, हाँ आ रही हूँ, देखा देखा मैं ना कहती थी, तुम एक बार कह दो तुम चाहते क्या हो, जिस दिशा में मैं जा रही हूँ उस दिशा में तुम क्यों जा रहे हो? अरे मेरी माँ मेरी बहन, आप ही मुझे बताइए मैं किस दिशा में जाऊँ? जिस दिशा में तुम पहले जा रहे थे उस दिशा में जाइए ना। हाँ ठीक है तो मैं वही जाता हूँ। छेड़खानी कर, ओके ठीक है। इतने ही है मेरे पास, बहुत कम है। तुझे जाना अमेरिका, इतनी दूरी और इतनी छोटी तिजोरी, बेहतर है तुम मुझे दे दे। बाबूजी के कोर्ट का कल फैसला भी है और वकील को जुबान दी है मैंने। नहीं तो तू जबान की बोली लगा के वकील को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोलना, और मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तू ये पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं लगा रहा है, तू ये कुएं फेंक रहा है, तू समझ नहीं रहा बात को? गलत बोल रहा है तू। शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, उसका वर्तमान देश नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यकीन है ये केस हमें लोग जीतेंगे, और जैसे ही कोर्ट हमारी नुकसान भरपाई करेगा मैं तेरी पाई पाई चुका चुका दूंगा। 35,000 हो गए पता है तुझे? Are you understanding? I'm grateful to you. अरे तकलीफ मैं उठाऊं, पैसा मैं इकट्ठा करूं, ग्रेट तू हो गया? अरे ग्रेटफुल बोल रहा हूं। अरे तू ग्रेट हुआ, मैं कौन हुआ? फूल है? ये मेरे परिवार की रक्षा और उसकी जीत की फीस। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं बल्कि मैं माफी चाहता हूँ कि कल कोर्ट का फैसला है और मैं फीस आपको आज दे रहा हूँ। मास्टर जी ने मेरे बच्चों को भी पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा देने का भाग्य तो मिलने दो। अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारा खड़ूस जीजा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे पिताजी के खिलाफ केस लड़ रहा है। आज तक तो मैं खामोश रहा, लेकिन अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। ये जीजू हम दोनों के पिताजी के खिलाफ कोर्ट में केस कैसे लड़ सकते हैं? नहीं अपने ससुर के खिलाफ लड़ने को इनको शर्म नहीं आती? मैं क्या करूँ, वो मेरी सुनते थोड़ी है। 40 साल बाबूजी ने स्कूल के अंदर पढ़ाया लिखाया, कितनी इज्जत है उनके समाज में, न पेंशन न ग्रेजुटी और न्याय के लिए संघर्ष, और ऊपर से तुम भी अपनों को साथ नहीं दे रही हो। कल कोर्ट में फैसले का दिन है, जीजू चाहे तो केस छोड़ सकते हैं, समझा देना उनको। अरे दीपक, आपने तो मुझे भीष्म पितामह बना दिया बाबूजी। वो कैसे? दरअसल जीत मैं आप ही की चाहता हूँ, लेकिन लड़ना स्कूल की तरफ से पड़ रहा है। प्रोफेशनल एथिक्स जिसकी शिक्षा मैंने आप ही से पाई थी, ये कैसे भूल सकता हूँ? और ये भी कैसे भूल सकता हूँ कि 20 साल पहले जब इस स्कूल को लीगल एडवाइजर की जरूरत थी तो इस पोस्ट के लिए आप ही ने मुझे चुना था। और अपनी बेटी के लिए भी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है विनायक, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो बाबू जी दीपक को भी समझाइए ना इस बात को। ना समझे, तुम्हारे अंदर के महापुरुष को समझ नहीं पा रहा है। उत्तम भाई आप बॉम पे बैठे हैं। बॉम कहाँ है? बॉम कहाँ है? ए बॉम है, बॉम है, बॉम है, भागो 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 सब लोग भागो, बॉम है। अरे भाई साहब, अरे बॉम है। अरे घर की बात कर रहे हैं यार, बैठो। अरे भैया कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जगह की बात कर रहा हूँ। जमीन के भाव जो है, हाँ जमीन के भाव बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं भाई, वो सब मालूम है हमको। ये बताइए कि आज की तारीख में उस घर का दाम क्या होगा? 15 करोड़। क्या क्या? 15 करोड़। जितनी जल्दी हो सके घर बेच दीजिए, वरना म्युनिसिपैलिटी वाले का कोई भरोसा नहीं। रास्ता चौड़ा करेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, तो दाम जो है वो ठुस करके गिर जाएंगे। अरे नहीं नहीं गिरेंगे दाम, नहीं गिरेंगे, हम वो घर बेच के ही रहेंगे। भैया चाय, संतरे का जूस। प्यार की टंकी ओवरफ्लो हो रही है, काम की बातें करो ना। तुम्हें पैसे से एलर्जी है? नहीं क्यों? तुम्हें हमारे पति बेवकूफ लगते हैं। मेरे लगने से क्या होता है? कृपलानी, कृपलानी कृपया करके घर बेचने की बात दोबारा मत करना। कृपलानी बहुत अच्छी कीमत दे रहा है। बाबूजी ने इस घर की नींव खुद अपने हाथों से डाली थी, यह घर उनके पैसों से नहीं खून पसीने से खड़ा हुआ है। ये कमरा जहां पर हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ये कभी मैटरनिटी रूम हुआ करता था, यहीं पे हम सब पैदा हुए, माँ ने यहीं लोरियां सुनाई। जब भी मैं यहां सोता हूं
बड़ी मीठी नींद आती है। मेरे लिए घर अनमोल है, मैं इसको किसी कीमत पे नहीं बेच सकता। मालवीय मेमोरियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री ओंकारनाथ जी ने अपनी रिटायरमेंट के 6 साल पहले एक लाइब्रेरी बनवाई। ये काम विद्यार्थियों के हित में था, लेकिन स्कूल कमेटी के फैसले की राह देखे बगैर उन्होंने ये लाइब्रेरी बनवाई और स्कूल को 20 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए स्कूल कमेटी ने श्री ओंकारनाथ जी की 6 साल तक की मासिक आय, आज तक की पेंशन और प्रोविडेंट फंड, कुल मिलाकर जो रकम आज की तारीख में ब्याज सहित 10 लाख होती है, स्कूल के पास पैसे ना होने का कारण बताते हुए दी नहीं। मैंने स्कूल के 7 साल के जमा खर्च को गौर से पढ़ा है, जिससे ये बात साफ जाहिर है कि स्कूल के पास पैसा है नहीं। इसलिए ओंकारनाथ जी स्कूल की तरफ से जो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं वो देना सचमुच नामुमकिन है। लेकिन कोई स्कूल कमेटी किसी शिक्षक को उसकी मासिक आय, पेंशन और प्रोविडेंट फंड से वंचित नहीं रख सकती। माफ कीजिए योर ऑनर, आप खाली गिलास से पानी पिलाने की बात कर रही हैं। स्कूल कमेटी के कानून तोड़ने के जुर्म में उल्टा श्री ओंकारनाथ जी को हमारी नुकसान भरपाई करनी चाहिए, कम से कम 25 लाख, क्योंकि सारे पैसे लाइब्रेरी में उड़ाने के बाद स्कूल की आर्थिक हालत जो बिगड़ी है वो अब तक सुधर नहीं पाई। हिसाब आपके सामने है, आप देख लीजिए। आप गंगा उल्टी बहाने की कोशिश ना करें विनायक जी, पैसा नहीं तो ना सही। पेन की जगह पेंसिल इस न्याय से स्कूल को उतनी ही कीमत की कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ये अदालत का फैसला है। स्कूल के पास क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जज साहब? कुर्सियां, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड्स, शॉक्स चाहिए है? बोलो बोलो। हाँ जज साहब, स्कूल के पास एक बस है, अगर इनको मंजूर हो तो बस ले सकते हैं। बस चाहिए? बोले बोले है? बस पैसे की जगह बस देंगे, ये कैसा न्याय है? अरे चाहिए एक हाथी, लेकिन हाथी नहीं है तो क्या हाथी के वजन के चूहे देंगे? ये अजीब है ना। ये काम धंधे के लिए बस दे रहे हैं, ये वो बस दे रहे हैं जो चलती है। आई एम कंफ्यूज। अदालत का फैसला मुझे पागल की हंसी जैसा लगता है, जैसे पागल हमारी तरफ देख के हंसता है और हमें मालूम होता है इसकी हंसी का कोई मतलब नहीं। सालों साल कोर्ट में चप्पलें घिसने के बाद और इतना सारा रुपया लगाने के बाद हमारे हाथ क्या है? एक बस। बस फिर तू बहुत निराशावादी हो गया तुरे। क्या निराशावादी हो गया? तू बात समझ नहीं रहा है। देख, एक अंग्रेजों में एक कहावत है कि हर काले बादल के ऊपर एक चांदी की लकीर होती जिसे बेच नहीं सकते। अब लंदन में कोहिनूर पड़ा है, हमारे किस काम का? तू लंदन क्यों पहुंच गया? तू प्लेट की बात करना जो सामने पड़ी है। ये रे, ये 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 मान ले मैंने बस बेची और मुझे 5 लाख रुपए मिले। इसमें से 1 लाख रुपए फिर से मैंने तुझे दिए, 1 लाख रुपए मैंने वकील को दिए। अब तेरे बनते तेरे 32-35 है। अगर तूने बैच पे भी बैच पकड़ लिया तो भी हाँ, वो तो समझने वाली बात है ना। अभी अभी 3 के ऊपर मेरी 3 की कमाई तो 3 की ऐसी आने वाले हैं। अब इसमें से 1 लाख रुपए मैंने तुमको अमेरिका जाने के लिए दिए, तो वो कितने गए देखो। क्या सोचा ही नहीं था क्या? पकड़ 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 पकड़। चीयर्स। कहाँ रखूँ ये? इसका पेपर में इश्तहार देना पड़ेगा। अरे इतना बड़ा केस थोड़े था कि अखबार में जीत का इश्तहार देना पड़े। नहीं मैं केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस की बात कर रहा हूँ। इश्तहार देंगे बस बिकेगी तो पैसे आएंगे ना, और लगे हाथ 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कभी कभी सोचता हूँ कि देवी देवताओं की तरह मेरे 3-3 हाथ पैर होते, एक आंख यहां, एक हाथ यहां, एक टांग वहां, तो बांटने में आसानी होती। तुम्हारे वो फर्नीचर वाले बिजनेस का क्या हुआ? बाबूजी सुना है आजकल ठेकेदार लोग बगैर परमिशन लिए पेड़ काटने लगे हैं। बात समझ में नहीं आई मेरे। उसके पहले जूनियर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, वो भी छोड़ दिए। वो तो आप तो जानते ही है ना, ये लोग तनख्वाह देते थे हाथ में 7,000 रुपए और दस्तखत करवाते थे 15,000 पर, और जब मैंने तकरार की तो उन्होंने करार कैंसिल कर दिया। जी अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना है। राजस्वीकृत विवाह देखना है? अरे वो नहीं। हाँ? ये नीचे।
रूट परमिट सोनावाड़ी से रत्नाकर चौक तक, ये किस लिए? बस के लिए। पर बाबूजी मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पानी में गिरोगे तो तैरना सीख जाओगे। देखो मेरी बात मानो, बस को बेचो नहीं, बस को चलाओ। थोड़ी आमदनी, थोड़ी लोगों की सुविधा और फिर अपने हिसाब से, मुझे लगता है ये काम तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप कहते हैं तो ठीक है। देखिए एक बस के अंदर 60 सीटें होती है, ऑन एवरेज एक सीट का होता है कम से कम 10 रुपया, तो उस हिसाब से अगर बस पूरी हाउसफुल होगी तो 600 रुपया एक बस के अंदर एक ट्रिप का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर तो दिन में 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो काम करेंगे। तो एक ट्रिप का 3 घंटा हुआ था, 18 को अगर हमने 3 से भागाकार किया तो उस हिसाब से दिन में 6 ट्रिप हो जाएगी, और एक ट्रिप का अगर 600 रुपया हो गया तो 6 ट्रिप का 3600 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से पूरे दिन के अंदर अगर 3600 रुपया कमाया तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये तो चक्कर चला लिया। तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये का चक्कर चल गया तो साल भर के अंदर एक बस का जुगाड़ हो जाता कम से कम 12 लाख रुपया। तो एक बस का ही 12 लाख का चक्कर चल गया तो 5-7 बस तो मैं यूँ डाल लूँगा, तब तो लाखों रुपये का हिसाब किताब हो जाएगा भैया। एक बात बता, मोटा मोटा समझा, गणित में अपना हिसाब किताब ठीक नहीं था ना, ओवरऑल कितना हुआ? अरे ओवरऑल तू समझ ले कि करोड़ों रुपए का झोल जुगाड़ है। जाना अमेरिका जाना है? मैं अमेरिका क्या हो गया? अबे पागल हो गया क्या? अरे सारा पैसा वैसा बाद में मिलेगा। देख तू क्या मजा आ गया। देख नर्सरी से पेड़ पौधे खरीद के नहीं ले जाने, बस ले जानी है। आगे चलिए, यही बस है। ये गाड़ी है कबूतरों की झाड़ी। और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है? झिंगा लाला हो की शादी की बारात निकल रही है क्या? ये वो बस नहीं हो सकती दीपक, आप प्रिंसिपल साहब को फोन लगाओ। देखो एक, ये वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है। दो, प्रिंसिपल साहब आज छुट्टी पर हैं। तीन, आप जल्दी से यहाँ साइन कीजिए। और चार, मास्पीटी, ये मास्पीटी करवा रहे हैं आप बच्चों से, कितना गिनवाएंगे? कितना गिनवाया था तूने? साल का 10-12 लाख। इसे भंगार में भी बेचूं तो लाख क्या, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। देख अभी कुछ भी नहीं है, उससे कुछ तो होना अच्छा है ना? अच्छा है क्या? अच्छा है यार, मैंने फोल्डिंग सोफा देखा था, फोल्डिंग बस तो पहली बार देख रहा हूं। अरे ए, इसमें तो पहिया भी नहीं है, कम से कम स्कूल को पहिया तो देना चाहिए। स्कूल क्यों देगा, अपनी जेब से डालो। अरे जेब में क्या आदमी पहिया लेकर घूमता है क्या? जब कोर्ट ने स्कूल को ऑर्डर दिया है तो बस तो देनी चाहिए ना पूरी। हाँ तो? तो बस में पहिया होते हैं ना। अरे स्कूल की बस में तो बच्चे भी होते हैं, अब मैं आपको बच्चे कहाँ से दूँ? इतनी मदद की जरूरत नहीं है, इतनी मदद तो बस भरने तक मैं ही कर लूंगा अपने आप की। आप समझ में आया, कोर्ट में बस देने के बाद भी वो जीजू इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? ये सब तेरे जीजू का क्या धरा है? जीजू का धर धर के पागल हो जाए। अब इस नारियल का क्या करूं, अपने सर पे फोड़ लूं? खोपरे की गाड़ी बनाई अपने घर में, धंधा शुरू होने से पहले जीजू ने धंधे की ना। इतने सोने का तो मैं 10,000 ही दे सकता हूँ। अच्छा, तेरा 10? तेरा? अरे एक बार बोला ना 10। अच्छा तेरा इतने में हो जाएगा ना? नहीं, तेरा मेरा कम ज्यादा की बात नहीं है, ऊपर वाला बचा है। लाओ पहली पैसेंजर की भीड़ में ही निकाल दूंगा इनका, मैं कर्जा चुका दूंगा। लाओ बचा लेना मालिक। हाँ चल आ जा भाई। मामू, मैंने पापा से बस के लिए एक नाम पूछा, उन्होंने कहा चल। मेरे पापा ने भी कहा चल। एक बात समझ में नहीं आती बाबूजी, ये दोनों बार बार तरह तरह से मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हैं? उनके चल को छोड़, तू अपनी अकल से चला चल। सुपर्ब,
मिल गया ना कामयाबी का रास्ता। उन दोनों ने कहा चल, आपने कहा चला चल, तो बस का नाम आज से चल चला चल। अच्छा है। सबके चेहरे खिले हुए हैं, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? तेरे भाई की बस शुरू हुई है, जरा खुश रहिए ना। तेरे भाई की बस शुरू हो रही है तो क्या मैं नाचू? अरे आरती वहाँ चल रही, यहाँ क्यों कर रहे हो? सुन, आरटीओ ऑफिस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है ना, तो यू टर्न को मस्का मारते हैं तो ये नारियल उससे फुड़वा देते हैं। अच्छा, मतलब के इज्जत देने से संतुष्ट हो जाएंगे? आराम से बोलना। मी नारियल ब्रोकर। दम क्यों सूख रहा है? दम लगाकर फोड़ दो नारियल, तुम भी परिवार का हिस्सा हो। नारियल, मी नारियल ब्रोकर। जय बजरंग बली। खत्म न हो जाए कहानी, बस में कर लो, बस में कर लो, आनी जानी है जवानी। Don't say bus, not show, don't say bus, now, don't say bus। चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मुझको कैसी परवा यारो, बस जो मेरे साथ है। दो दिन की है जिंदगानी, खत्म ना हो जाए कहानी, बस में कर लो, बस में कर लो, आनी जानी है जवानी। Don't say bus, बाबा don't say bus। जिंदगानी खत्म ना हो जाए कहानी, बस में कर लो, बस में कर लो, आनी जानी है जवानी। Don't say bus, don't say bus, don't say bus। जेब में होंगे डॉलर पाउंड, पैर ना होंगे ऑन द ग्राउंड, लाइफ में होगा फन ही फन, कानों में सिक्कों का साउंड। दो दिन की है जिंदगानी, खत्म ना हो जाए कहानी, बस में कर लो, बस में कर लो, आनी जानी है जवानी। Don't say bus, don't say bus। कोयला इंजन जैसे धुआं फेंक रही है, खतरा, और तुम्हें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, पहले इसे फिट करवाओ। hmm.
मेरे पास फोन, मेरा पासपोर्ट खा गया था। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या हो गया? अबे मुझे कुछ बोला ना तो चींटी की तरह मसल दूंगा। नहीं यार मैं नहीं। अबे मैं गाय को नहीं यार, तू ही नहीं। और तू भी क्यों नहीं यार, तू मेरा दोस्त है। इसकी ऐसी कितना अबे 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 गियर किधर ले जा रहा? कौन से गियर से गाड़ी चलाऊंगा? अबे सुंदर, सुंदर ये कहाँ चला गया? अरे आगे ले रे गाड़ी। सुंदर क्या रे? अरे ट्रैफिक तुम जाम क्या? सब पूछ रहे, गाड़ी हटा यहाँ से। सलाम साहब, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन। अबे गाड़ी हटा तू पहले। क्या बाइक को वाइफ सारी गर्लफ्रेंड सब ठीक है ना? अरे बाल बच्चों को पूछ यार, मेरे बाल पक गए। पहले तू गाड़ी हटा, यहाँ से ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे कैसे निकालूंगा वो गाड़ी न्यूट्रल में? अरे तो फर्स्ट डाल ना, जा निकल जाए यहाँ से। अरे लेकिन वो अब क्या हो गया ना साहब, मेरा दोस्त है ना, उसका पासपोर्ट चूहा खा गया। अरे उसमें पब्लिक का क्या दोष है? तू गाड़ी हटा। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, वो मारने को भागा है। कौन, चूहा? नहीं वो मेरा दोस्त। अरे दोस्त की बात कर रहा है, तू गाड़ी हटा पहले। अरे लेकिन वो आएगा तब निकलूंगा ना, वो तो गेरी लेकर भाग गया है। ए सुंदर, मुझे सुंदर मत बोल। सुंदर सुंदर बोल के मेरे तलवे मत चाट, मैं कहता हूँ सारी दुनिया जानती है मैं सुंदर हूँ। हाँ किसने बोला आपको? मेरी माँ बोलती है। अच्छा ठीक है, जो भी है, धूप बहुत पड़ रही है, आपका मुंह काला हो जाएगा, एक मिनट अंदर बैठिए, मैं तभी तक सुंदर को बुला के लगे आता हूँ। अबे सुंदर पागल हो गया हूँ, जब तक साले को जान से नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साले ने सारे मेरे सपने बर्बाद कर दिए। अबे जाम हो गया, वो इंस्पेक्टर साहब भड़क रहा है, ये लिवर दे मुझको। मुझे चूहे का लिवर कुचलने के लिए लिवर चाहिए। अबे वो इंस्पेक्टर तेरे मुंह में हाथ डाल के तेरा लिवर बाहर निकालेगा। चल छोड़ छोड़, कब तक भागेगा तू? ये है सुंदर। अरे इस बंदर को सुंदर कहते हैं? बैठ जा, बस में बैठ जा, चल चल। अरे ऊपर कहाँ जा रहा? फाइल बोला था ये सब क्या ले? ये एप्लीकेशंस हैं ड्राइवर और कंडक्टर की पोस्ट के लिए। दो आदमी की पोस्ट के लिए इतनी एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है? अरे अपने देश की आबादी के प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन? हाँ भाई 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 भाई, फिर भी मैं सोचता हूँ कि इतने लोगों में दो आदमी को सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। अरे नहीं बहुत सिंपल है, इजी है। जो हमें 10,000 देगा हम उसे काम देंगे, दाम नहीं तो काम नहीं। मजदूर अगर मालिक के मुंह पे पगार मारेगा तो उसकी नियत काम करने की नहीं, पैसा बाहर निकालने की होगी। उसके काम में आत्मा और जान नहीं रहेगी, और मुझे लगता है कंपनी चलती है मजदूर की मेहनत और ईमानदारी से। आप तो बहुत दूर निकल गए। थांबा थांबा, बिनतिया है, पगार नहीं डिपॉजिट, डिपॉजिट। वो भी बहुत गलत सिस्टम है। अच्छा, गरीबों के साथ बहुत बुरा हो रहा है आज भी। उनकी मिलें तोड़ दी जाती हैं, वहाँ पर पब बना दिए जाते हैं, रस्ते से किराना वाले की दुकान हटा दी जाती है, वहाँ पर होर्डिंग लगा दी जाती है, बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी तोड़ डाली जाती है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी जाती है। और इतनी कुर्बानियों के बाद उनके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी को पता ही नहीं। और ऐसे में मैं उनसे पैसे लूं, ऐसा मैं क्यों करूं? क्योंकि तूने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है यहां पैदा होने का। हम सब करते हैं, ये कस्टर्ड है बिजनेस का। इन कस्टर्ड? अरे मैं कंगी कर रहा हूं, तू जुए क्यों कर रहा है यार? मैं सोचता हूं कैसे भी करके हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाएं। जीजा जी आ गए, ये बढ़ाएंगे बिजनेस। हम्म
जोरदार शुरुआत हुई आपकी, है? गुड यार, वेरी गुड। अच्छा मेरा एक सुझाव है, हालांकि मेरा सुझाव तुम्हारे लिए बिना टिकट का स्टैम्प पेपर नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बोलिए ना। तो फिर मेरी बात सुनो, देखो तुमको इस धंधे में खास अनुभव है नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दो जानकार कंडक्टर और ड्राइवर का इंतजाम किया, दोनों को काम पे रख लो। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? नहीं उसके 20,000 का लॉस हो गया। कौन है, कौन ये लोग? रेगिस्तान की सड़कों पर 20 साल का एक्सपीरियंस, आर्मी में भी काम किया है, कड़ी नजर, फुर्तीला दिमाग, लोहे जैसे हाथ, स्टेरिंग पे एकदम स्मूथ, ऐसा है अपना ड्राइवर। हाँ? बसंती लाल, ईमान का सच्चा, हिसाब का पक्का, वक्त का पाबंद, साथी भरोसेमंद आदमी है कि एडवर्टाइजमेंट। अपने स्कूल के पुराने चपरासी का बेटा है, बाबूजी ने गणित पढ़ाई उसको, अच्छा खासा नाम है। हाँ मैं हरिलाल। गुड, और ऑफिस का काम संभालने के लिए? मैं हूँ जिंदा अभी तक, इसलिए मेरे पेट पे लात और दिमाग में घुसा मत मारिए प्लीज। ओके, तो ये मतलब मैनेजर और ऑफिस भी रह रही है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। उस बस को फॉलो करो, उसको ओवरटेक मत कर लेना है। क्या चल रही है? नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। ये मरेगा, चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो। बच्चे आराम से स्कूल आया जाया करेंगे। क्या बात है, ये भाई साहब जो खड़े हैं वो भी आराम से ऑफिस पहुंच जाएंगे। क्या है? पुजारी जी भी दुनिया भर का पूजा पाठ किया करेंगे। अपनी बस क्या चली है, कई जिंदगियां संवर जाएंगी। बिल्कुल सच, बाबूजी ने ठीक कहा था। ये काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। तू खुश है ना? मैं भी बहुत खुश हूं। लो बस आ गई। आप लोग टैक्सी पे बैठी। मैं शेयर टैक्सी पड़वाड़ेगा नहीं भाई। अरे नहीं नहीं, मैं बस तक पहुंचा था ना आप लोगों को टैक्सी से, मैं बस का मालिक हूँ। आई बैठी। टिकट 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 टिकट। आप दोनों लवर्स कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ससुराल जा रहे हैं। आपके क्या? आपके? मेरी हफ्ते भर पहले हमारी शादी हुई है। तब तो इस रूट पे आना जाना लगा रहेगा। पहले 2 बच्चे, फिर 4 बच्चे, फिर 6 बच्चे, व्हाटएवर। ओए बस को ओवरटेक कर ले स्टाइल से। जेम्स बॉन्ड के क्या कहने यार? ए, ये बस क्यों नहीं रोकी तूने? वो नहीं, क्या गांव में मेरी इज्जत खराब कर रहा है? वो पैसेंजर खड़ा है, वो तू निकल लिया सीधा। ए आइए आइए, आइए 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 आइए, आराम से आराम। दीजिए दीजिए, मैं लेता हूँ। अच्छा मालिक, थैंक यू। टिकट के लिए इतना लंबा क्यों? बढ़िया है, बढ़िया है, लगे रहो भाई, लगे रहो लाइन में। हाँ, क्या बात है, लगता है पहले ही दिन बस ने बिजनेस टॉप गियर में डाल दिया, लगे रहो। आपका नाम? रत्नाकर चौक तक एक भी बस नहीं आती थी, हमारे इलाके के लोगों को बहुत राहत मिली है। थैंक यू। थैंक यू। पूरा नाम बताइएगा। पायल। सोनावाड़ी से रत्नाकर चौक। पैसे, पैसे, आपका आईडी कार्ड निकालिए। एक टिकट काटने के लिए पूरा एक पेपर लिखवा रहा है। टिकट नहीं काट रहा हूँ, कंसेशन दे रहा हूँ। आईडी कार्ड कंसेशन? ए तू कौन समझता अपने आप को, भारत सरकार? ए भाई नेताओं की बराबरी मत करना, वो घर में पेड़ चढ़ा के बैठे हैं और हमें अपने घर पे छत चढ़ाना है। नेतागिरी अपने किसी काम की नहीं भाई, अपनी चलेगी सिर्फ धंधागिरी। अरे धंधा ही तो कर रहा हूँ बैठ के सिस्टम से।
अरे यार, आजकल हर बड़े धंधे वाले कंसेशन दे रहे हैं। अच्छा, कम से कम देश को चमकाने वाले लोगों को तो कंसेशन देना पड़ेगा ना। स्टूडेंट्स, बुजुर्ग, मिलिट्री ऑफिसर, नेवी वाले, एक साल में एक बस से 1 करोड़ का जुगाड़ करने वाले हैं हम, ऐसा तूने गिनवाया था। भरे बाजार पागल हो गया था तू। हाँ, मैं ये कंसेशन हमारे जुगाड़ की कमर तोड़ देगा, ये कह रहा तभी कभी बंद कर। अरे चलो, हे चमन, इतने लोग कतार में खड़े, मार मार के तार तार कर देंगे तुझे। आप अपना उड़ा पत्र, आई मीन पहचान पत्र लाई आप? नहीं, क्योंकि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में अप्रेंटिस हूँ। देखिए मैडम, ये हमारे मालिक च्युइंगम की तरह सॉफ्ट है, इन्हें चबाने की कोशिश मत करिए। आप स्टूडेंट नहीं है, आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, आप पैसे निकालिए फटाफट, प्लीज प्लीज। लेकिन मैं प्रिंटिंग का काम तो सीख ही रही हूं। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये धंधा सीख रहे हैं, बिजनेस। हाँ, बिजनेस सीख रहे हैं, और डीजल, LP, गैरेज वाला, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आपको मालूम है एक बारीक स्क्रू गिर जाने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? वो तो मैं देख ही रही हूं। क्या देख रहे हो तुम ऐसे सुंदर? अरे समझती नहीं। शट अप। मैंने आपको नहीं इसको बोला था, इसका नाम सुंदर है। तो आपने मेरी तरफ देखा क्यों? अरे आपको देखने से पहले मैं इससे बात, इसको देख के मैंने आपको देखा ना, मैं उससे पहले आपसे बात कर रहा था। खबरदार जो मेरी तरफ आंख उठा के देखा तो। अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं आपकी तरफ देखूंगा ही नहीं। अब आप जाइए, नो स्टूडेंट नो कंसेशन, जाइए जाइए जाइए। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मालिक ने नई स्कीम खोली थी इसलिए आई थी। हाँ। कोई भीख मांगने नहीं। नहीं नहीं रईस, मदारी के बंदर से भी ज्यादा उछलते। ये क्या बचपना है यार। अरे ये इनके काम की लगन है, चलो तुम आओ आओ। क्या कलेक्शन? मैं कलेक्शन के पैसे लाता हूँ, फिर भाड़ा भरता हूँ। 2 मिनट रुको। अरे बसंती लाल। हाँ। आज की कमाई कितनी हुई? बस भरी थी, पर ज्यादातर तो बूढ़े बच्चे मिलिट्री वाले, सब कंसेशन, कुछ खास नहीं। तो 1.5-2.5-3.5 जो हो गया वो दे दो। हाँ, जो है। हाँ, निकालो, निकालो। चलो जो भी है, बस का काम तो शुरू हुआ, मैं टैक्सी वाले को पैसे दे। भैया भैया, एक बात, आज इस बात का फैसला हो जाए, आप हमको क्या अपनी जोरू समझते हो जो रोज पीछे टैक्सी में बैठ के हमारी बस को फॉलो करते हो? नहीं नहीं, ये बात समझ लो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके गैर हाजिरी में हम आपकी बस को तोड़ फोड़ के बेच डालेंगे? जितनी ये आपकी रोजी है ना भैया, ये हम दोनों की भी रोजी है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो क्या है ना कि आज पहला दिन था ना, तो मैं टैक्सी में से बैठकर बस को देख रहा था। लेकिन कल से ऐसा नहीं करूंगा। ये तो बहुत अच्छा, कल से मैं बस में ही रहा करूंगा। हाँ हाँ। क्या है कि मालिक और पब्लिक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, तो बिजनेस बेटर होता है। हाँ, दैट्स अ गुड टैक्टिक्स एक्चुअली। टैक्टिक नहीं, टैक्टिक। क्या? टैक्टिक। टैक्टिक। ये सुनो, चुपचाप गाड़ी चलाया करो, ये कोई तरीका नहीं मालिक से बात करने का। ये इंग्लिश लेके अमेरिका जाए। मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा था? नहीं नहीं, वो तो कोई हम और बात कर रहे थे। कुछ लो, ये क्या हो रहा है? देखिए, जरा सी बस हटी तो आप गिर गए, कहीं पूरी हट जाती तो आप कितने गिर गए होते हैं। आप दोनों भी दूर हट जाओ मेरी नजरों से। अच्छा, ये लीजिए, अब हम आपसे पंगा नहीं लेंगे, ये लीजिए, ठीक है? बेवकूफ, समझ रखा है क्या? भाग गए सारे। भाग गए हम लोग। मेरे मोहल्ले में शरीफों का मोहल्ला है, हमारी सड़क है, हमारी समझे, ऐसे कोई हमसे बिना पूछे बस। अब इनको हमसे क्या तकलीफ है? पूरा टुन्ने नहीं, इनको क्या तकलीफ है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे मुसाफिरों को कोई असुविधा, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? मालिक, हर आदमी यहाँ कंसेशन वाला है, किसी को कैसे तकलीफ होगी, सब खुश है, आप देखिए ना। मैंने हर आदमी को कंसेशन नहीं बोला था, मेरी बात उधर की टिकट, उधर जाके काट। उधर उधर आइयो, ये जो सज्जन आपके सामने खड़े हुए हैं, ये बस के मालिक है, ये हीरे है, आप लोग इनकी इज्जत के लिए उठिए, इन्हें बैठने दीजिए, उठिए उठिए, बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए। अरे किसी काल में जूं तक नहीं रहेंगी, तुम कह रहे हो बैठे रहिए बैठे रहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नया सीट लगा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है ना, हवा हवा फर्स्ट क्लास आ रही है। बढ़िया लग रहा है। आप लोगों का समाधान ही हमारा सुख है, हमारा ये लक्ष्य है कि आपका सफर एकदम स्मूथ हो, जैसे मुंह में मक्खन। हाँ, हाँ।
मक्खन में मक्खी आ गई। रास्ते पुराने हैं तो हम लोग क्या करें? अपने मालिक से कहो डींग मारने के लिए और एक बार मुंह खोला तो नकली दांत गिरा देगी पब्लिक। इतनी सुविधा हम लोग किसी को नहीं देते। और पंचर की क्या गारंटी है? ए, हमें हमारा पैसा वापस दो। अरे 5 मिनट लगेंगे, स्टेपनी लगाने में 5 मिनट। अरे पैसे लेते हो, मरम्मत क्यों नहीं कराते? हो जाएगा भाई। फोकट चंद, तुझे कंसेशन मिला है, तू मुंह मत खोल। अरे इसकी मरम्मत करो। क्या मरम्मत करो? बैठा तो छोड़ने का नहीं। अबे ग्रेट ड्राइवर, अरे पुष्प चक्र किस पे चढ़ाने के चक्कर में उसको नीचे फेंक। क्यों, इसमें हवा नहीं है? उसमें भी? अरे हाँ। अरे इससे तो बैलगाड़ी अच्छी थी। देखो हमेशा गिराए राजा जो होते हैं ना बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन आज हम लोग भी गलत नहीं है। एक मौका दो, हम लोग नया टायर लेके आते हैं। सीधे टायर पंक्चर करा दिया चश्मे से। चलना गाड़ी कहीं था ना, चल नया लाते। देखो ये ड्राइवर कंडक्टर ढूंढने जाएंगे अभी। अब मेरी बारी। बेटा कल तुम्हारे पापा तुम लोगों को स्कूल नहीं छोड़ सकते। If papa is little busy, can we be little lazy? मतलब स्कूल की छुट्टी? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं, कल मामा खुद आएंगे अपनी बस से भांजों को स्कूल छोड़ने के लिए। Yes. Don't mind मामू, लेकिन आपकी खटारा बस देख के है ना, सब लोग हमें चिढ़ाते हैं। वो तो अलग बात है मामू कि हम थोड़े फेमस हो जाएंगे, लेकिन हम आपकी बस में कभी नहीं आएंगे। ये तेरी बेटी क्या बोल रही है? दीपक, दीपक। अब ये क्या बोल रहा है बाहर? कुछ ठीक नहीं है ये साला, ना तो कंडक्टर सीटी रुकता है ना कंडक्टर सीटी चलता है। ये सामने देखने की एक्टिंग कर रहा होता है और ऊपर इसकी नजर आसमान की तरफ देख रही होती है। सब धंधा चौपट बस गैराज में। अरे लेकिन हुआ क्या, मुद्दे की बात कर? अरे बस ने दुकान उड़ा दी। अरे तेरी तो। अरे वो तो अच्छा हुआ कि दुकानदार ये करने चला गया, नहीं तो दुकानदार तो जाता ही जाता, साथ में हमारा धंधा हमेशा के लिए लेके जाता। बोल ना, कोई मरा नहीं, एक तो बाहर पहले ही कुत्ता रो रहा है, ऊपर से तू कुत्ता नहीं रो रहा है, इंसान कुत्ते के रूप में रो रहा है। एक मिनट आ जाओ भैया, आ जाओ, ये मालिक इनसे बात करो। हाँ जैसे रोना हो वैसे रो, लेकिन इनके सामने रो। चलो कैसे गलत तरीके से रो रहे हैं, ये घर है मेरा, आस्ते रोइए। क्या हो गया, क्या हुआ? आपके ड्राइवर ने मेरे दो कान कुचल डाले, बर्बाद कर डाला। 7 साल का पसीना बह गया मेरी चोटी चोटी चोटी। क्या हो गया आपकी चोटी को? चोटी कट गई। मेरी चोटी चोटी बच्चिया, उनको आने वाला कौन अकेला आएगा जी? अरे यार तुम तो कंफ्यूज हो रहे हो, तुम आदमियों को पैजामा, तुम्हारी दुकान गई कि बीबी? सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा पैसे का नुकसान हो गया ना, तुम्हारे पैसे का भरपाई करके देगा ना बाद में? आप हमको अभी पैसा देगा जी? अभी खड़े खड़े कहां से करके देगा तुमको? बाद में पैसा भर के देगा ना बाद में? तो आप पे कौन भरोसा करेगा जी? भरोसा कैसे नहीं करेगा, हम लोग मालिक हैं इस बस के, मालिक हैं हम लोग इस बस के। चलो चलो भरोसा करो, इसको बोलो यार। चलो चलो चलो, चलो। क्या हुआ, क्या हुआ? आप सच मुझ इस बस का मालिक है ना जी? उनकी शक्ल ऐसी है यार, इसको समझाओ हम लोग मालिक हैं। चलो आराम, चलो ये सब क्या हो रहा है? ये घर है कि कोर्ट कचहरी? रात में भी केस चालू है, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो पेमेंट कर इसकी, मैं बसंती लाल को देखता हूँ। यहाँ बैठकर आराम फरमा रहा है? पहाड़ पर्वत पर गाड़ी चलाते समय एकदम मक्खन की तरह गाड़ी चलाता है, और सड़कों पर के तेरे चश्मे पर मक्खियाँ बैठ जाती है। ए, गुरु छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। बात करो, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है? साला सोडा बॉटल के साइज का चश्मा पहनाते हुए दिखाई नहीं देता। ये क्या है? क्या क्या है? देखो ये बोला क्या क्या है, बैंड चश्मा बोलता क्या क्या है, ये क्या है? आइए, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं। उंगली का ये? ये क्या है? दो उंगली का भी? देखो आपको अंग्रेजी के सब मूल अक्षर आते हैं। हाँ भैया आते हैं ना तुमको मूल अक्षर? ये देखा, ये क्या है? ये एक फटका मारूंगा ना खींच के सीधा, 35,000 का तूने जूता मारा है, हाथ मत बांध। तू बात करता है, आईंदा तूने ना पगार से काटना शुरू कर इसी महीने से। तू चुप कर यार, और तू सुन भाई, साला पैसे आते हैं लोटे से और जाते बाल्टी से, आईंदा तूने कभी ना आईंदा अगर है किसी मूर्ख आदमी को समझाना और किसी मरे हुए आदमी को गोली खिलाना एक बराबर है, निकाल दे नौकरी से, दूसरा डिपॉजिट रख के नया ड्राइवर रख लेंगे, इमोशन से मत खेल। अरे ऐसा नहीं कर सकते ना, इसको जीजा जी ने काम पे रखा हुआ है, दीदी नाराज हो जाएगी। और तू खुश मत हो, आइंदा अगर रिपेयरिंग का खर्चा तो लेने दे। अरे आइंदा अगर तूने मेरे आइंदा के बीच में बोला ना तो ठीक नहीं होगा आइंदा। आइंदा अगर तुमने कोई घोल घपला किया, कोई गलत
चालबाजी की। तो याद रखना, मैं जान से मार डालूंगा सबको, समझे? पहने लो, समझे? वो वहां पर अभी दो ड्राइवर सोए, सुबह उठे ही नहीं, याद रखना। नमस्ते। ए, हाथ जोड़ के उल्लू मत बनाना, समझा? आ गई अक्कल। सुनो सालो, ये तुम दोनों के लिए था। सालो बस बेच के दीपक को कसाई का काम देंगे और उसको कसाई गंडासा हम गिफ्ट करेंगे। अरे भाई साहब, आप लोग कंसेशन के लिए आए क्या? आजकल यहाँ मिलना बंद हो गया है। नहीं नहीं, बस चला रहे हो? नहीं, बस तो पुरानी है। क्यों? मालिक तो नए नए हो। तो इसीलिए गजेंद्र सिंह को नहीं जानते? गजेंद्र सिंह कौन है? एबीएमयू के सेक्रेटरी। ये एबीएमयू क्या है? अखिल भारतीय मजदूर यूनियन। तो सिंह साहब के आदमी है हम लोग। तो मैं क्या करूं? तुमने हमारे ड्राइवर को जान से मारने की धमकी दी। एक को नहीं, दो को दी है। तो लगता है सिंह साहब को खुद ही आकर तुमसे मिलना पड़ेगा। हाँ बोलो, उसको कौन है सिंह साहब? वो गजेंद्र। हाँ बोलो। ये क्या नाटक लगा रखा है? एक बात बताओ भाई, ये क्या सब्जी मंडी है? जिसको देखो सर उठाए चला आता है। 2 किलो ये देना, 4 किलो मूली देना, अरे क्या लगा रखा है? शर्म करे, शर्म। न काम के, न धंधे के, न पाए सामने टोकन। घर की इज्जत ब्रोकन, घर की शांति ब्रोकन, घर का सुख समाधान ब्रोकन। बकवास कर रहे हैं आप, चेहरे सबके चमक रहे हैं, अच्छे भले बड़े बंगले में बैठे हुए, जबरदस्ती ब्रोकन ब्रोकन ब्रोकन। क्या ब्रोकन? एवरीथिंग इज ब्रोकन। कुछ नहीं ब्रोकन। तुम्हें इस तरह अकड़कर बात नहीं करनी चाहिए थी यूनियन के आदमियों से। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर क्यों लेते हो? वो तुम्हारे बस के रूट पर मुसीबतें खड़ी कर देंगे। तुम्हें लोगों से प्यार से काम लेना सीखना चाहिए। हाथ मारने को उठे तो भी पुचकारो, गाली देने का मन करे तो जबान पर शहद लगाकर बोलो। लोगों को इज्जत दो, उन्हें अच्छा लगता है। हमारा क्या जाता है? गजेंद्र भैया जिंदाबाद। तुम्हें लोगों से प्यार से काम लेना सीखना चाहिए। प्रणाम महोदय, आप ही गजेंद्र भैया हैं? कहिए। तुम्हें ने उस बेचारे ड्राइवर बसंती लाल को जान से मारने की धमकी दी है? जी नहीं, आवेश में बोलने मात्र की चेष्टा की थी, परंतु मैं अपने आवेश के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी बात पूरी नहीं हुई अभी। क्या बोला तुमने उससे? कि उसे दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें आंखें नहीं कांच की कोटियां हैं। बार बार उसका चश्मा उतार कर उसे बेइज्जत कर रहे थे बात करते वक्त। देखो भैया, क्या है? क्या है? सड़क पर चलते हुए वाहन का कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ले दम, समझे आप? लेकिन चालक को बेइज्जत करने का, जो बेचारा गरीब मजदूर है, उसका लाइसेंस आपको किसने दिया? मैं पुनः पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर क्षमा से भी संतोष या शांति नहीं है तो मैं आपके वाहन चालक के चरणों को स्पर्श करके उनके आवेश को संतुष्ट करने को तैयार हूँ। और वैसे मैं आपके महान व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक हूँ। देखो, मैं तुम्हें यहाँ डराने धमकाने नहीं आया हूँ, सिर्फ समझाने आया हूँ। आज का मजदूर मजबूर नहीं है। मजदूर पर मालिक की मनमानी, वो युग ही बीत गया भैया। अगर यकीन नहीं आता और आजमाना चाहते हो तो दोबारा ऐसी कोई हरकत करके देखो। लेकिन एक बात याद रखना, शुरू ये खेल हमेशा तुम मालिक लोग करोगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा हम मजदूर भाइयों की होगी, समझे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु, आप और आपके साथी धन्य हैं, हम नगण्य हैं। आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। गजेंद्र भैया जिंदाबाद। ख्याल रखना इन मजदूरों का। सब चोर
कैसे हैं बसंती लाल जी? कोई अखबार में खास खबर? कुछ नाश्ता करेंगे आप? आपके लिए कुछ मंगवाऊं मैं? रशियन सैंडविच, उत्तप्पा, ये बस आपकी है, आप अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घूमो ना इसमें। महंगा पड़ेगा। नहीं, मैं भाड़ा नहीं लूंगा आपसे। देखिए, मेरी पत्नी अब मेरी रही नहीं, मुझको तलाक देकर उसने किसी और के साथ शादी कर ली। अगर उस पत्नी को मैं इस बस में घुमाऊंगा तो उसका लेटेस्ट पति मेरे को बहुत कुत्ते की तरह मारेगा। आप अपने परिवार को घुमाइए ना, आप ही की बस है ये। माँ बाप के अलावा कोई नहीं है दुनिया में मेरा मालिक। तो आपकी बस अच्छी है, लेकिन अनाथ होने का खतरा नहीं ले सकता मालिक। आप नाश्ता करेंगे कुछ? आपके लिए मंगवाऊं मैं? घर से आपके लिए खाना मंगवाऊं? क्या जरूरत है मालिक, उल्टा हम आप पे प्रसाद चढ़ेंगे, आप तो हमारे भगवान जैसे हैं। नहीं नहीं, भगवान बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी है। आओ आओ, हम दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाते हैं। ऐसा कौन बोलता? मार्क्स ने कहा था। ये मार्क्स कौन है? आप मजदूर होकर मार्क्स के बारे में आपने नहीं सुना? नहीं नहीं, मार्क्स के बारे में सुना है, वही जो स्कूल में इम्तिहान के पर्चे में जो मिलते हैं वही ना। अखबार चश्मे से चिपकाए फिरते हैं और कितने बेखबर है आप। गाड़ी निकालिए, गाड़ी निकालिए। आपने क्यों तकलीफ की, किसी के हाथों भिजवा दिया होता है। अरे इसमें तकलीफ काहे की, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा वो आप गुजर गए। स्कॉच है ओरिजिनल। अच्छा आप सोडे के साथ लेंगे या कोल्ड ड्रिंक के साथ? नहीं, प्लेन। प्लेन? नीट नीट डायरेक्ट। आइस 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 बेबी। अभी लाइए। देखिए उत्तम भाई, इस एरिया के जमीन के भाव जो है वो जल्दी बहुत तेजी से गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको अभी भी वही कीमत देने को तैयार हूँ जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया है। अरे भाई ये तो अच्छी बात है। नहीं वो हो जाएगा, डोंट वरी। इसलिए आप लोग जल्दी से सोच के बताइए। सोचना क्या है उसमें, थोड़े दिनों में हो जाएगा ना, थोड़े दिनों में हो जाएगा। हाँ बोलिए ना। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। गुड। छोटा जीजू। मालिक ये आपके जीजू हैं? हाँ, वो बसंती लाल को बुला लो। तुम लोग का रोज का आने जाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर डालता हूँ। हाँ जीजू। नमस्ते। नमस्ते। मेरा मुंह क्या रेड सिग्नल है जो मेरा मुंह देखते खड़े हो गए आप? हैं? RCCLDL निकालो जल्दी। कल रात को दिखाया था ना मैंने आप? टाइम क्या हुआ था? 9 बजे थे रात को। बस 8 बजे निकली थी स्टैंड से। अरे भूल गए आप, वो स्त्री वाले से झगड़ा कर रहे थे, अंडरवेयर में घूम रहे थे। शट अप, शट अप, डोंट टॉक इन बिटवीन, आवर लिंक विल बी ब्रोकन, ओके? और मैं ड्यूटी पे एक व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ, किसी का जीजू बीजू नहीं हूँ। फॉलो मी। हाँ सर। फॉलो मी। ये इनके दिमाग को क्या हो गया रे? कितने पैसेंजर हैं? 50। ज्यादा लग रहे हैं। 50 बैठे हैं, 10 खड़े हैं और दर्जन भर चिल्ले पिल्ले भी हैं। इसका मतलब बस ओवरलोड है। एक्सक्यूज मी, इससे दुगने लोग बस स्टॉप पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि इस रूट पे एक ही बस चलती है। लोग चलती बस में अंदर कूदते हैं, देन व्हाट वी विल डू? इस बस का टाइम टेबल RTO को भेजा था। टाइम परमिट भी कहाँ है? बी? हाँ बीबी। बीबी इसकी बीबी का क्या काम है? ए शट अप, ये टायर रिटायर्ड लग रहा है। नो, इट्स न्यू, रीसोल्ड, पैच भी नया लगा हुआ है, देखो कैसा चमक रहा है। लुक सी वॉच, फर्स्ट एड बॉक्स लगा है। हाँ बॉक्स भी, अंदर दवाई भी है। दिखाओ। आई सर। गुरु हाँ? उसके जख्मों पे एक हरी पत्ती चिपका दो। जख्म? कौन, किसको, कहाँ? अरे रिश्वत खोरी का जख्म है, उस पे एक हरी पत्ती का फाया रख दो। मैं अपने जीजू को रिश्वत दूं? उसने बोला ना बाजू हटो, जीजू विजू घर पे बोला ना। बाजू हटो कब बोला? तुम मुझे भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रहा, वो भड़का हुआ, उसको ठंडा कीजिए, जाइए पानी छोड़िए उस पे। हटो। हाँ खोलो। क्या? अरे फर्स्ट एड बॉक्स खोलो। अरे कुत्ता नहीं चुहा वो। टायर्स ठीक नहीं है। रूल
साइन बी ब्रोकन। गाड़ी ये ओवरलोड है। रूल नंबर 65 डी ब्रोकन। मेडिसिन बॉक्स एक चूहा है, कुत्ता नहीं, चूहा है यहाँ पे। मेडिसिन बॉक्स में कुत्ता बचुआ था, इसका रूल नंबर पता नहीं है, पर देखना पड़ेगा। बस इट इज ब्रोकन। जीजू, नेशनल परमिट पार्ट बी नॉट शोन। रूल 238 जे ब्रोकन। टाइम टेबल कौन है, कुत्ता कहाँ है? चाय पानी, चाय पानी। योर हैंड विल बी ब्रोकन। माय इज्जत इज ब्रोकन। नो, माय इज्जत इज ब्रोकन। चाय पानी। शट अप। ग्लास ब्रोकन। ये बस अभी के अभी आरटीओ ऑफिस लेके चलो। इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसल। जब तक मेरी इजाजत नहीं मिलती तब तक ये बस आरटीओ ऑफिस में बस। ये जीजू नजर आ रहे हैं क्या? ये साइड क्यों ना? दीपक, आई एम वेरी अपोलॉजी। अपोलॉजी हाँ, भाई भाई, अगर सरकारी गाड़ी का कांच नहीं टूटता तो बात अपने हाथ में थी। ये बागड़ बिल्ला जीजा कहीं मुझे अंदर ना करवा दे। तू घबरा मत, घबरा मत, मैं हूँ। मैं क्या करूँ यार? ये कौन? ये तो कोई शादी वर्दी पुलिस लगती है। मुझे आ रहे हैं तूने? मुझे पुलिस वाला ही नजर आ रहा है। ओ। इसे बारह बीस। अच्छा सर, ना आपका ना मेरा। 18 प्लीज। डिलीवरी देनी है सर राजस्थान में। नारियल भेजने सर प्लीज। मेरा ट्रक छोड़ दीजिए सर प्लीज। 19 दे दो और निकल लो। अच्छा साहब। सर मेरा क्या? मेरा क्या होगा सर? रूल इज ब्रोकन। मेरे घर में फर्स्ट मिठाई का बॉक्स ओपन, देन आई विल गिव यू टोकन। ओके, हो जाएगा। अरे बहुत मामूली बात है, नए टायर जलवा दो, थोड़ी बहुत दवाइयाँ रख दो और थोड़ी बहुत मरम्मत करवा दो। गाड़ी अभी छोड़ देते हैं आपकी। थैंक यू वेरी मच सर। क्या दीपक? अरे भाई, आपके पिताजी ने हमको पढ़ाया है, इसे गुरुदक्षिणा समझ लो। कैसे हैं सर? अच्छे। हमारा नमस्ते कहिएगा उनसे। जी जरूर सर। वाह उत्तम, मान गए भाई हम आपको। अरे मामूली सी तो खराबी थी गाड़ी में, और फिर भी आपने अपने साले की गाड़ी पकड़वा दी। थैंक यू सर। भाई आप ईमानदार हो, फेवरेटिज्म नहीं करते हो, ये जताने की जरूरत नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं। मैंने यहाँ पे दस्तखत कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए और इनकी बस छोड़ दीजिए। साले को संभालना पड़ता है भाई, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन सर, इन्होंने जीप का कांच तोड़ा है। कांच इज एब्सोल्युटली ब्रोकन सर। जुर्माना तो भरना पड़ेगा ना सर। कौन सी जीप? वही जो मैं लेके जाता हूँ सर। मगर वो तो गैरेज में है ना, तुमने तो बोला था जीप परसों रेडियो करा जाएगी। बिल भी भेजा था 10,000 का। लेकिन बात ये है ना सर कि सर बस के टिकट, बस के टिकट बस में मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, छपवाने के लिए डाले थे यहाँ पे। हाँ, कंपनी का नाम? कम एक मिनट, क्या है कंपनी? भंडारकर, भंडारकर प्रिंटिंग प्रेस। अरे मेरी नहीं, आपकी कंपनी का नाम। चल चला चल कंपनी। अरे पायल जरा देखो तो, इस मेंटल डिसऑर्डर का ऑर्डर पूरा हुआ कि नहीं। कितना हुआ? 1,000। ए फोकट महल की रानी, विच वे आर यू टॉकिंग? 5,000 का ऑर्डर था, यहाँ भी कंसेशन। टिकट 5,000, उसका बिल 1,000। बैठ गई बात आपकी आधी खोपड़ी में। और यहाँ ज्यादा टाइम पास किया ना तो प्रिंटिंग मशीन के कील की जगह तुम्हारे दांत भेजूंगी। चलो निकलो यहाँ से। पास नहीं दिया तो मुझे खलास करेगी। नमस्ते। हरीलाल, तूने टिकट दिया था उसे? याद नहीं।
तो ये याद कर उसने टिकट लिया था तुझसे? शायद नहीं। अरे तू कंडक्टर है कि झमेला, तुझे कुछ भी याद नहीं है? टिकट प्लीज। मेरी चेकिंग क्यों? मेरी मर्जी, निकालो निकालो टिकट निकालो। पूरी बारात। तो पापा मम्मी भाई बहन कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है दिखाइए। मैं पूरी बारात लेके आई हूँ, आपको कौन बोला? तो फिर ये इतने सारे टिकट? ये सब मेरे हैं, एक कल का, एक परसों का, तो एक पूरे हफ्ते के इकट्ठे खरीदे क्या? पिछले हफ्ते के हैं, इनमें से आज का देख लो। भाई मेरा टिकट भी जल्दी चेक करना, मुझे उतरना है। रोज टिकट चेक करा के उतरता है क्या? जाना। और भी टिकट है आपके पास? है, घर पे है। आपको आधे भाव वापस खरीदने क्या? तो हमारी बस के टिकट पूरे गाँव में आधे भाव बेचती आप? मतलब तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने टिकट? आप ही ने तो दिए ना। अरे सुंदर भाई क्या हुआ? हम यहाँ देते हैं वो वाले या हम वहाँ देते हैं वो वाले? अरे सुंदर भाई सुनो तो, ये देवी जी प्रिंटिंग प्रेस में काम करती हैं। इंडिया में अलाउड है? हमारी बस के टिकट भी उसी प्रेस में छपते हैं। वो भी अलाउड है? आगे की बात क्लियर एंड लाउड है। क्या? ये नजर नीचे माल पीछे टाइप की कन्या क्या? टिकट सीधे प्रिंटिंग प्रेस से ही लाती है। अपना 500 का ऑर्डर था, 500 खुद के भी बना डाले। रोज एक एक पत्ती निकाल के हमें बेवकूफ बना रही है। क्या बकते हो आप? मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी औकात है मेरी, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। बसंती, बस रुको। कल से मैं इस गंदी खटारा बस में पहने रखूंगी। तुम इस खटारा के लायक भी नहीं हो। तुम हवाई जहाज खरीदो, हवाई जहाज उस पे चलो। मेरा एक काम है आपके पास। हम लोग किसी और का काम अपने पास नहीं रखते, आप जा सकते हैं। मजाक नहीं समझते जी? बताइए क्या काम है। जी मैं आपकी बस में धंधा करना चाहता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का सर। और मेरे धंधे के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। किसी भी बस में बैठो, सचमुच लगता है जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। और उसी डरावने मुकाम पे अगर मैं पैसेंजर्स को बीमा सुरक्षा योजना के बारे में बताता हूँ, तो कोई भी विचारशील गधा ये पॉलिसी लेने से मना नहीं करेगा। इनडायरेक्टली गधा बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, लेकिन मेरी बस की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस मुकाम का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो जो डरावना, वो मेरी बस के ऊपर कभी नहीं आएगा। इसलिए आप, मैं आपको कमीशन दूंगा सर, और पॉलिसी धारक को आपकी बस में कुछ होता है तो आपका कमीशन डबल। लेकिन जब मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी बस के साथ कुछ ना हो, आप दुआ कर रहे होंगे कि कुछ हो तो कुछ हो, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। हेलो गुरु, हमेशा की तरह ना किसी ने अपनी बस को ठोक दिया और पब्लिक पागल हो रही है। कहाँ से बोल रहे तुम? मैं पीसीओ के पिंजरे में। सुंदर कहाँ है? हवा में। सबकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा मुझे अगर मारोगे तो? पागल हो गए क्या? अब बचाई क्या? अरे बहुत कुछ बचाया, जितना कुछ बचाया। कहाँ है वो? लड़की कब की एडमिट हो गई? लड़की एडमिट हो गई कौन से हॉस्पिटल में? सरदार हॉस्पिटल में। सरदार हॉस्पिटल में तो उसकी सुरक्षा तो मैं ही करूंगा ना। देखा देखा देखा, देखा। मैं ही करूंगा ना सुरक्षा। देखा तेरा क्या बिना? इसी डरावने मुकाम की बात कर रहा था। अबे कौवे तू अगर डाल पे बैठता नहीं तो डाल के टूटने की फरी नहीं थी। चाबी पकड़ो मुझे, सुरक्षा करनी है मुझे, सुरक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, सुरक्षा मैं करूंगा। आजा सुरक्षा से। ए तुम ही उन्हीं के साथ। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हैं आपको? मेरी बात तो सुनिए। ये पूरी दुकान खरीदने क्या जरूरत? समझता नहीं है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। इंश्योरेंस के पेपर कहाँ है बस के? नहीं है। क्यों? बीमा भराएगी नहीं? नहीं। क्यों? हो गई छुट्टी। सारी चाबियां उस लड़की के हाथ में है, वो हमें बचा भी सकती है, वो हमें बेच भी सकती है। खिलाने पिलाने से भी कुछ नहीं होगा? और भी खाएगी? खाएगी ही। तो कितना खाएगी ये भैंस? लाख दो लाख कम से कम। तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा।
ये कंसेशन वाले ने यहाँ पर एडमिशन क्यों ली? अपनी एक्सीडेंट वाली कहाँ है? नहीं जी, सिस्टर। यस। वो बस एक्सीडेंट हुआ था, वो पेशेंट का है। वो रही। ये? वही है। पैर फ्रैक्चर्ड है, स्कैनिंग करना पड़ेगा, ऑपरेशन भी हो शायद। हे भगवान। आप उनके पति हैं? नहीं, उनके पड़ोसी हैं। कभी कभी उनकी देखभाल करते हैं। आज देखभाल करने आए हैं। मैं नहीं खेलूंगा। आप जाइए यहाँ से। आ जाओ। ये हमारी किस्मत की अकाई के ऊपर लिखी हुई है। जब कदम रखते हैं फिसल जाते हैं। अब पाला ही पढ़ना था तो ये इस लेडी ग्रिगिट से पढ़ना था। मुझे तो पब्लिक मैड लगती है। लाल बत्ती गाड़ी चमकेगी, पुलिस आएगी। अभी ये तो नई लाल बत्ती मेरे कान में मत डाल। तू ये बता, करे क्या? लड़की ने सच बोला, मधुमक्खी ने छत्ता खोला। तू पुलिस के सामने इससे ये उगलवा ले कि इसकी ही गलती है। रोड क्रॉस करते वक्त चक्कर आ गया, आंख लग गई, नींद में चलने की बीमारी है। कुछ ऐसा नहीं पड़, तू बजरंग बाण चला। और ये बता, मैं करूं क्या? मेरी जान खतरा है। मुझे पहले हवा में उछाला, अब पाताल में गाड़ देगी ये पब्लिक। मैं माफी चाहता हूँ, मैं फुटास गोली खाता हूँ। तेरे को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों, मेरी क्या शादी हो रही है? जहाँ फिट करना हो वहाँ फिट कर दे, मैं चल। फिट करवाना, फिट कर दे। लड़की है कि स्क्रू है? गुड इवनिंग। शर्म नहीं आती गुड इवनिंग कहते हुए? मेरा पैर गया काम से, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आप और वो आपका डैमेजर। मैंने कंसेशन क्या मांग लिया, वो उसने मेरी इंसल्ट कर दी। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने कसम खाई थी कि मैं आपके बस में कभी नहीं चढ़ूंगी, तो आपने अपने ड्राइवर से कहकर मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। ये झूठी बात है। आप तो मुझे प्रेम चोपड़ा बना रही हैं। एक्सीडेंटली हुआ था, वरना मैं इतना चिकू केला बिस्कुट लेकर क्यों आता? अगर एक्सीडेंट मैंने करवाया होता तो इतना खर्चा क्यों उठाता मैं आपका? ना 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 ना, उस दिन के झगड़े के बाद मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए वकील बुलाया, आप पर केस करूंगी मैं। देखिए, आज तक कोर्ट कचहरी के अंदर किसी का फायदा नहीं हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हट जाना तो लूंगी ना मैं, मेरी चलती फिरती टांग जो गई है। अरे टांग क्या, आपसे हटकर चलती फिरती थी। आप देखिए, मजाक की बात नहीं है। ईद, दिवाली, होली, जयंती, बीमारी, बैंक हॉलीडे, इसके बाद साल में दिन कितने बचते हैं? और वो भी आदमी अगर कोर्ट कचहरी में गुजार दे तो बुढ़ा पाना तो पक्का है, लेकिन आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, इस बात की फुल गारंटी है। इंसाफ इंसाफ ही होता है। ये कोई मैगी नूडल्स का पैकेट नहीं जो दो मिनट में तैयार हो जाए। जी 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 जी, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, ये कोई मैगी नूडल नहीं है। लंबा सेशन चलेगा, बात आपस में निपटा डालते हैं। आप प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे वकील विनायक अग्रवाल जी ने कहा है कि किसी से बातें ना करो। क्या? विनायक अग्रवाल जीजू? जी जो, वो मेरे जीजा है। ओ, एक्सीडेंट करवाए आपके लोग, मेरी वकालत करे आपके लोग, इलाज भी करे तो आप ही के लोग। हाय, मेरा क्या होगा, मैं तो फंस गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जीजू की तो बनती नहीं है। मेरा उनका तो एकदम कैची और मूछ का रिश्ता है। जहाँ हाथ लगाते हैं हजामत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपस में निपटा डालते हैं। कोर्ट में जाकर क्या चील की तरह चलाएंगी? मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ इंसाफ करता हूँ ना। आप क्या कर लेंगे? आप मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेंगे? आज से आपका परिवार मेरा, वो आगे बोलिए। आज से आपकी तीन टांगे आगे बोलिए। तीन? एक आपकी, दो मेरी, आगे बोलिए, आगे बोलिए। और आप बस आपके पति को बुरा ना लगे। ना 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 ना, पिताजी एक छोटी बहन और बड़ी बहन की बेटी, बस इतनी सी है। तब तो ये बिल्कुल छोटी फैमिली है। हाँ? मैं बिल्कुल संभाल लूंगा, बेफिक्र रही है। तो मैं ये समझूं कि तय हो गए, आप सबको समा। देखिए, आप इंस्पेक्टर साहब से कह दीजिएगा कि आपको चक्कर आ गया था, बस के सामने आ गई थी, आपको कुचलने में बस का कोई चक्कर नहीं था। मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। आप सिर्फ वो सबका खर्चा उठा लूंगा। सुनिए जी, मेरे लिए जरा चाय बना के लेके आइए। अभी देता हूँ। साली ब्लैकमेलर। परेशान हो गए हो यार, फर्स्ट टाइम सेकंड हैंड टायर लिए तो पंचर हो गए, सेकंड टाइम फर्स्ट हैंड टायर लिए तो दुकान वाले को 35,000 रुपये देने पड़े, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट ही होना था तो तुम्हारे जीजाओं में से किसी एक का होता, दोनों को बसंती लाल का चेहरा दिखा देना चाहिए था। ज्यादा मत बोलने, तो बसंती लाल को तेरा चेहरा दिखा दूंगा। दोनों जीजा है मेरे, जीजा के पीछे क्यों पड़ रहा है? बगैर हड्डी की जबान है तो बस हिलाते ही जा रहा है। जहाँ जिसका चेहरा देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे इसको कुछ देना है। अब तुझे भी देख रहा हूँ तो पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि तेरे को भी कुछ देना है। मेरा सच में उधार है। ओके, मजाक कर रहा हूँ, मजाक।
मालिक मेले की तैयारियां शुरू होगी। तो मैं क्या करूं, छमिया की तरह नाचू? नहीं गुरु, आपको बताना भूल गया था मैं, वो मेले वाले लोग है ना, चंदा मांगने आए थे। हाँ मतलब बाजा बज रहा है, एक फूक उनको भी मारनी है। नहीं मालिक, मेला मतलब पैसे का रेला। यहाँ का छप्पन छुरी गणपति एकदम फेमस है, बहुत लोग दर्शन के लिए आएंगे, बस स्पेशल परमिट निकालना। फिर से परमिट? अरे मालिक, रात दिन बस ठसा ठस भर के चलती है। स्पेशल परमिट होगा ना तो कोई रोक टोक नहीं, टाइम की कोई टिक टिक नहीं, जम के बस चलाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। हाँ हरिलाल, तूने पहली बार ऐसी बात की है कि तू हरी नोट का हकदार है। मालिक ए हरी पत्ती, ये दिन रात इतनी हैवी बस चलाना खाने का काम नहीं है। जब तक मेरे को हरी पत्ती नहीं मिलती ना, मैं गहने बदलता हूँ। अरे बसंती लाल, एक बार मेरे पास पैसा तो आने दो, फिर तुम लोग देखो मैं करता क्या। पहले मेरा देना। क्या बोला? ये क्या बोला? मैंने सुना ही नहीं। फिर ठीक है। हाँ समय बाद दवा की कमाई हुई है। ये क्या बात बजी? कुछ नहीं, ऐसे ही दुपट्टा ठीक कर रही थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुकाई। वो गणपति के मेले चल रहे थे यहाँ पर, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे पास घर जाने के लिए एसी टैक्सी के पैसे भी नहीं थे। तुम तो मेरा सारा खर्चा उठाने वाले थे ना, ये क्या तमाशा है? तुमने सुन लिया? तू चुपचाप खड़ी रहे। और तुम सुनो, तुम घबराना मत, अगर कुछ भी होगा ना तो मैं संभाल लूंगा। ये लड़की कौन है? इसने मुझे धोखा दिया। हा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे भी माँ मैं और नहीं सुन सकती, और नहीं सुन सकती। क्या हुआ? मैं सब समझ गई हूँ। ये हरामखोर ऐसी हरकत करेगा, मेरे सपने में भी नहीं सोचा। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है? उस दिन तुम भूल गए जब मैं अस्पताल में थी। अस्पताल? और इन्होंने कहा था कि मेरे पूरे खानदान का भी ख्याल रखेंगे। कहा था कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा, तो क्या हो गया? हाँ, तो कब रखेगा उसके मरने के बाद? शुब शुब बोलो दीदी, पहले एक झूठे आदमी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। चुप रह, खामोश हो जा। और तू इधर आ।
और तू समझ क्यों नहीं रही है बात को? अरे अब तू मुझे क्या समझाएगा? अगर ठीक टाइम पे तेरी शादी हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। हजारों लड़कियां मिल सकती थी अच्छे खानदान की, एक यही डिफेक्टिव पीस मिला था तुझे। अरे तू समझ नहीं रही है, इसके खानदान वाले सब ठीक ठाक है और ऐसी कोई बात नहीं है। और तू सुन रहे, खबरदार जो तुम दोनों ने मेरे खानदान के बारे में कुछ बोला तो। हम तेरे खानदान के बारे में क्यों बोलेंगे, उन बेचारों का क्या कसूर है? सौरभ सुपर बदमाश का है। क्या बकवास कर रही है बार बार तू? क्या बात कर रही है मेरी माँ, तू बात समझती क्यों नहीं है? मैं बच्ची हूँ, लड़की, अस्पताल, पता ही नहीं। अरे बाबूजी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? अंधेरे में रखा वो भी दीपक ने, मुझे भी। ओए चुप कर। मैं चुप नहीं रहूंगी, एक लड़की की मेरे सामने जिंदगी बर्बाद हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप, अंदर जा, जा अंदर। ये वो लड़की है जिसका मेरे बस के साथ एक्सीडेंट हो गया था, इसकी टांग टूट गई थी इसलिए अस्पताल गई थी वो, और मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, इतनी सी बात है बस। बस बस इतनी सी बात है? मैं तो डरी गई। अबे डरा रही थी तू मुझे, तू जा अंदर। और सुन, ये पकड़, ये 500 रुपए पकड़ और जा। सिर्फ 500? मेरे रोज के दवाई और इंजेक्शन का खर्चा 1000 रुपया है। हाँ तो 500 और पकड़ और जा। अरे कितने पैसे लुटाएगा इस लड़की पे? अरे लड़की नहीं है ये। क्या बकवास कर रही है? मेरे पास मरीज है और तू बीच में बार बार क्यों आ जाती है? तू जा अंदर। और तू सुन, मेरा बस का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ स्पेशल ट्रिप्स हो रही हैं, कलेक्शन के पैसे आने बाकी है, जैसे आ जाएंगे तेरे को पैसे दे दूंगा। पक्का? वादा, वादा करता हूँ मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। क्या वादा कर रहा है इससे? अरे तू जाती है कि नहीं अभी? ए बसंती, अब तो भगा तेरी धनों को। अरे पौना घंटा हो गया इंतजार करते करते। अरे पहले वो कमीना कंडक्टर आएगा तभी तो गाड़ी हिलेगी, और देखो जिसको जल्दी है वो जाए पद यात्रा पे। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनम योगी विरध्यानगम्यम वंदे विष्णु। अरे पुजारी जी, आपने हरिलाल को देखा क्या? यहाँ तो सब लाल हरि के हैं। तुमको जो माथे पे टीका लगाता है, हाथों में धागे, गले में ताबीज पहनता है, सीधा सा, हाथ जोड़ू, कंडक्टर। राम 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 राम, नाम मत लो उस हरामी का, पी कर कहीं पड़ा होगा अड्डे पे। ये भैया हरिलाल आया था यहाँ पे? हमेशा आता था लेकिन कुछ दिनों से नहीं आया, कहता था कि नई नई नौकरी लगी है। अब उसे कहाँ ढूंढूं यहाँ पे मैं? वैसे उसकी एक है औरत। बहन जी, हरिलाल एक टैक्सी लेकर आए थे और दोनों निकल गए सुबह सुबह। कुछ स्पेयर पार्ट्स का हिसाब हुआ है, कुछ देखते हैं अभी। कुछ पता चला? कुछ लेन देन बाकी था? नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो पिछले महीने का पगार लेने आया था और लेकर गया, इतना लेन देन तो हुआ है। दीपक मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मेले का पैसा, टिकट का पैसा, 10 दिन का गल्ला। नहीं उसका हिसाब तो वो आज देने वाला था, क्यों क्या हुआ? वो है ही नहीं, कहाँ है वो? उसको बाहर बुलाइए। सुबह ये भी आए थे लेकिन वो घर पे नहीं है। देखिए आप उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, वो जहाँ पर भी है हम लोग उसको ढूंढ निकालेंगे। तो चुप कर। क्या उसने कोई गलत काम किया है? है जी नहीं, गलत काम तो हम लोगों ने किया है जो उसको नौकरी दे दी बगैर जान पहचान के, बगैर किसी डिपॉजिट के। अरे हम भी मजदूर आदमी, मजदूरों की मुश्किल समझते हैं, उसके धर्म गर्म के टीके पे भरोसा क्या कर लिया कि उसने हमको ही टीका लगा दिया? कितनी ताक में बैठे हुए थे हम लोग कि ये पैसे आएंगे तो उससे कर्जदारों के पैसे चुकाएंगे, और वो हरिलाल सारे पैसे लेकर भाग गया। उससे कह दीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर छुप कर बैठा है, वो ऊपर वाले की नजर कैद में, वो उसको माफ नहीं करेगा। अरे हरामी ने नाक कटवा दी, इस उम्र में यही सुनना बाकी था। ए, दीपक कहाँ जा रहा है? सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। चल सीधे पुलिस स्टेशन चल के फिर लिखाते हैं। ये फिर लिखाना क्या होता है? अरे वो FIR। फिर तू अपने दिमाग से इंग्लिश की डिक्शनरी निकाल कर फेंक दे। अरे कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी ना यार। वही तो सोच रहा हूँ मैं, उसके बूढ़े माँ बाप को देखा, उनके हाल को देखा। हा? हमारा तो पैसा गया है, उनका तो बेटा ही फरार हो गया। हाँ पुलिस कंप्लेंट कराएंगे तो क्या होगा? तकलीफ तो बूढ़े माँ बाप को होगी, बेटा तो क्या है, मजा आ रहेगा। उसको क्या है?
मैं उसकी बुराई की सजा उसके बूढ़े माँ बाप को नहीं दे सकता। पहले ही बेचारे ढलान पर है, मैं उनको धक्का क्यों दूं? तेरा दिल बड़ा है लेकिन दुनियादारी दरिया दिली नहीं समझती। ये टायर वाला गैरेज वाला सांप की तरह फन उठाएंगे पैसे के लिए, देन व्हाट विल यू डू? सुन, दो दो घर जमाई है, किसी एक का बटन दबा लें, फैला तो उजाला नहीं तो अंधेरा तो है ही। अरे वो लोग दोनों तो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कब मैं मुंह खोलूं और वो लोग हल्ला बोल दें कि घर भेज दो घर भेज दो। और मेरी मुश्किल ये हो गई है कि मैं किसी अपने को मुंह खोल के बोल नहीं पा रहा हूं कि मुझे पैसे की जरूरत है। मेरे पास एक थैला नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं तुझसे, मैं तो बता रहा हूं, बोल रहा हूं। और तुझसे तो पैसा मैंने हक से मांगा था लेकिन मेरा बैड लक देख मैं तुझे लौटा नहीं पाया। अबे साथ चल तो सही। सुन, तू मेरा ब्रदर है, मेरा छोड़। मेरा अमेरिका जाना मतलब सौवे माले पर पैदल चढ़ना है, पैसा इकट्ठा करूं, वीजा अप्लाई करूं, इंग्लिश सीखूं। अरे चढ़ती पतंग की डोर है रे। तो यहाँ कौन सी पतंग लहरा रही है? गोताई खा रही दोनों की। कंडक्टर साला मिला, इसको तो मिलके धोएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा चुका दूंगा। हाँ। कंडक्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा रहता। कंडक्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा। बार बार बात करते। नमस्ते। उसकी जगह कोई भी होता ना तो ये काम नहीं करता। हाँ, तुम्हारा भाई तो महान बना है कंडक्टर, उसके बाद बनेगा क्लीनर, पूरी बस का कीचड़ साफ करेगा और हम पे उछालेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक ही कह रहा हूँ मैं, संभालो बचा लो वरना पूरी सोसाइटी में हमारा फैमिली स्टेटस ब्रोकन। ना कर वक्त खोटा, नहीं कोई काम छोटा, घर है लगन तो जिया हो जाए मगन। चल चला चल, चल चला चल, आगे तू बढ़ चला चल, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो बेटा। बाबूजी, आज से रोज रोज घर आना नहीं होगा, कभी कभी बस की रखवाली के लिए स्पॉट पे रुकना भी पड़ेगा। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा भाइयों और बहनों, चल चला चल कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और पते की बात ये है कि मैं बस का मालिक, इस बस का कंडक्टर बन गया हूँ। अब ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ये सब लंबी कहानी है, मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल आप लोग सब लोग मुझे संभाल लेना। हाँ, आप लोगों का स्टॉप क्या है, किराया कितना है, खुद ब खुद ईमानदारी से पैसे गिन के मुझे दे देना, मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया हूँ। और धोखाधड़ी मत करना, मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। हाँ भाई, किधर जाना है? पीसी। पीसी क्या? पुलिस कांस्टेबल। मतलब? मतलब फ्री। ओके, आपको किधर जाना है? पीसी। ए, कितने पीसी है इसके अंदर, इस बस में कितने और पीसी? हम 7 पुलिस कांस्टेबल है इस बस में, हम डीसीपी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद बोल देना, सलाम बोलना। हाँ, आप लोग आए? महालक्ष्मी। मैं आपका नाम नहीं, आपके बस स्टॉप का नाम पूछ रहा हूँ। ये बस स्टॉप का ही नाम है। पढ़िए इसको। ये क्या किया तुमने? हमने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, अपना धर्म समझकर। आप किस मसले की बात कर रहे हैं? शैतान की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है, वो है पुलिस कंप्लेंट का। अरे तुम्हारा आदमी मुझको चुना लगा के भाग गया और मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर डाली? कंप्लेंट तो मुझे करनी चाहिए थी, पैसे का मेरा नुकसान हुआ है, लगा के क्या रखा है, क्या लॉजिक क्या है, इसके पीछे उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन अब मुंह खोलना आपके हित में नहीं है, पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ है। एक मजदूर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकालकर मानसिक कष्ट दिया आपने उसे, छोटी बात नहीं है ये। छोटी बात है? पुलिस कंप्लेंट में तो यही दर्ज है, इसलिए शक की निगाह आप पर जाती है। तो कागज पे कुछ लिख दिया तो क्या वो कैसा चुक गया? पुलिस के सामने लिखवाने से बात पक्की तो हो जाती है ना।
कानून है, समझे आप? हाँ, मुझसे पहले कंप्लेन कर सकते थे आप, लेकिन ये मौका तो आपने गवा दिया। तो आप संभल कर कदम बढ़ाना और संभाल कर जबान चलाना। आज के बाद संभल कर तो तुम रहना मिस्टर सिंह। कानून कोई बच्चों की दौड़ नहीं है कि जो पहले आ गया उसको ट्रॉफी वॉफी मिल जाएगी। और ये जो ये कानूनी तिरछे दांव पे लड़ रहे हो ना तुम, याद रखना ये सच का तीर जो है ना, ये सीधे घुस जाता है। फेल। अरे चुप कर, बस चला रहे थे, रॉकेट उड़ा रहे थे, उड़ा देते थे तुम मुझे। काश ऐसा होता। What? कि ब्रेक टाइम पे लगा होता। अरे लेकिन आप भी सड़क पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनकर क्यों खड़े हो? स्टेचू ऑफ लिबर्टी? हाँ भाई भाई भाई, लेकिन अमेरिका हमें जाना है क्या आपको? ये बस लेके जाओगे क्या अमेरिका? अरे हम साइकिल जाएं, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़े होने क्या खुजली है आपको? ए खुजली मास्टर, ये मेरा काम है। उस दिन मेले के दौरान मैंने इतने इशारे किए रोड साइड से, फिर भी आप लोगों ने बस क्यों नहीं रोकी? नहीं, रोड साइड के इशारों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम शरीफ हैं। बस क्यों नहीं रोकी? देखिए उस दिन जो मैंने बस नहीं रोकी ना, तो गुरु के बोलने पर नहीं रोकी। नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, कितने भक्त लोग जो है वो धूप के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को छोड़कर हम लोग आपके दर्शन करने के लिए कैसे चले आते? यानी बस ओवरलोड थी। रूल नंबर 113 सेक्शन के ब्रोकन। आपकी बस जब पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रही थी तो कोई गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है। बस पैसेंजर से भरी हो, गुनाह ही है, समझा? देखिए जीजू, रूल नंबर 93 सेक्शन पी ब्रोकन। देखिए जीजू मेरी बात, ओ मैं तो भूल ही गया था कि आप तो काम करते समय जीजू होते ही नहीं है, तो आप जो कोई भी है आप जबरदस्ती बाल की खाल मत उतरी है। आपके कहने की वजह से हम लोगों ने बस के चारों टायर चेंज कर दिया, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कीटाणु मारक गोली रख दी, बस का तो क्या अपना भी टाइम टेबल सुधार दिया। अब हम लोग बारात के घोड़े के सामने भी नोट नहीं दिखाते, अब हमारे 2-in-1 के अंदर आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक में चलाइए ना। 2-in-1 का मतलब तो समझ गए होंगे, मालिक और कंडक्टर। ओहो, कंडक्टर विदाउट बैग, कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, सेक्शन 90 ब्रोकन। सेक्शन 90 ब्रोकन। साले सर फोड़ डालेंगे, साले उल्लू बनाते हैं, इसको तो मैं थोड़ी डालता हूँ। आगे ले गया तू, जीजा है वो अपना, चला। वाइपर कहाँ है? वाइपर यहाँ है। वाइपर का मतलब जानते हो? हाँ, खतरनाक जहरीला सांप। ड्राइवर, वाइपर है ना साहब, दोनों है ना उधर। रोते रोते चलता है कि त्रिताल झपताल में नाचता है? अरे जैसे भी चलता है, बारिश का मौसम नहीं है, आपको वाइपर से क्या सरोकार है? हाँ, दो दो वाइपर है, एक खड़े खड़े जंग लग गया और दूसरा खड़े खड़े टेढ़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है वाइपर की? I understood. Rule number 65, section O broken. मुझे अभी के अभी वाइपर्स चाहिए। क्यों, खाएंगे क्या? Shut up! I will charge. हे बसंती लाल, जाकर वाइपर लाकर इनके चश्मे पे लगा, ताकि इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे। देखो तुमने मेरा पर्सनल इंसल्ट किया है। संभव ही नहीं है, आप तो प्रोफेशनल टाइम के ऊपर पर्सनल होते ही नहीं है, तो फिर पर्सनल इंसल्ट कैसे होगी? मैं फाइन मारूंगा। फाइन? फाइन मारो या ताना मारो, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सड़क के ऊपर आ जाए? हम लोग सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है, जो सेक्शन लगाना लगाइए। ओके ओके ओके। अरे ये तो वही है, दोबारा मुंह मत दिखाना। हाँ तो तू तो इस पर भरोसा करेगा? ऐसा नहीं हो पैंट सिलाने के गए और वहाँ पर पजामा सी दिया। इस पियक्कड़ के अलावा कोई चारा भी नहीं है। देर 3 इसकी कैंची कांपती है, देर 4 इसके ग्राहक कम है, देर 5 ये यूनिफॉर्म जल्दी सिलेगा, समझे? नेवर 10, सब कुछ समझ गया। नमस्ते। लंगोट सिलाना है क्या? लंगोट? आधे घंटे में तो लंगोट ही सिल सकता है। आधे घंटे? इनकी तो खुद की मुंह की सिलाई उखड़ी हुई है। नहीं नहीं, कंडक्टर की यूनिफॉर्म सिलाना है, पैसा हमारा, कपड़ा सिलाई आपका। और नाप? नाप के लिए कपड़ा लाया ना, अर्जेंट। हाँ, आधे घंटे। आधे घंटे में कपड़ा खरीदना भी है, काटना भी है, सिलवाना भी है। हाँ, आधे घंटे में। हाँ, मुझे नहीं होगा, आप किसी और के पास ले जाओ। चलो चलो। अरे तू आधे घंटे के पीछे क्यों पड़ा है? अरे सीधी बात है, आज ही जीजू ने बेइज्जती कर दी है, अभी दोबारा थोड़ी बेइज्जती करवाऊंगा। अरे तो रणछोड़ दास, अभी तो हल्ला बोला ना तूने उसके साथ,
अरे देखो उसकी हजार कचरा बातों में एक बात तो सही थी ना, कि कंडक्टर का ड्रेस होना चाहिए। नहीं, वो अभी दहाड़ मार के गया है तो पूरे दिन में अब थोड़ी दोबारा पकड़ेगा, एक दिन में सिर्फ एक बार। नहीं एक दिन नहीं, हाँ नहीं आएगा, आज भर की बात करता हूँ। ये आज भर में दे दीजिएगा, ये एडवांस के लिए पैसे दे रहा हूँ। हाँ नाप के लिए कपड़े दे रहा हूँ ना, ये लीजिए। ठीक है पैसे भी रखो। हाँ आज भर में। चलो चलो चलो, मुझे कपड़े उतारने। क्या बात कर रही हैं आप? अरे कपड़ों की गठरी ऊपर से धोबन हूँ। अच्छा मेरी धुलाई मत करना मेरी माँ। चले रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन। हाय, अब कहाँ चोट लगी? नहीं ऐसे ही, जनरल हाय बोल रही हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? और कहाँ जाऊंगी, प्रिंटिंग प्रेस वाला जॉब भी नहीं रहा, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरा जो कंडक्टर था ना कंडक्टर, वो 1,00,000 रुपए लेकर भाग गया। उसमें से 50,000 रुपए मुझे तुम्हारे परिवार को देने थे और 50,000 रुपए अपने लिए रखने थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत लाजवाब है और मेरी किस्मत उसका तो जवाब ही नहीं। अगले हफ्ते मेरे मामा की लड़की की शादी है, मुझे कम से कम एक सिक्का तो देना होगा। चलो उतना तो दे ही सकता हूँ मैं, क्या बात करती हूँ। सोने का, सोने का, फिर रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है। बैसाखी की वजह से मेरा घूमना फिरना बंद हो गया है। मेरी सहेलियाँ कहती है मुझे एक कपड़े का शोरूम खोलना चाहिए, मैं एक जगह कैश काउंटर पर बैठी रहूँगी और काम होता रहेगा। लगे तो एक पेट्रोल पंप, एक ब्यूटी पार्लर और डायमंड ज्वेलरी शॉप भी खुलवा लेना, वहाँ पे भी ना तेरे को सिर्फ कैश काउंटर के गल्ले पर ही बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, तुम मेरे परिवार का ध्यान रखने वाले थे ना। अरे मैं तो बहुत सारे लोगों के परिवार का ध्यान रखना चाहता हूँ, उसके तुम्हारे मेरे और बहुत सारे, लेकिन ऊपर वाला मेरी जेब का भी तो ध्यान रखे। वैसे निकाल निकाल कर मैंने कुछ निकाला, अभी ये मैं निकाल निकाल के इतना निकाला, ये रख लो अभी। ओ भाई साहब, हाँ बस निकालो, टाइम हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, निकल रहा है, चलो भाई बस निकालो, बस निकालो, अभी ये सब बाकी सब समझ लेंगे बाद में कभी अपन। ओके चलो भाई, चलो बस निकालो, चल सफर बहुत लंबा है। सुनिए, ये बस दीपक की रोजी रोटी है जिसको गिरवी रख के उसने कर्ज वालों का कर्ज अदा किया है। आपके एक हाथ में नोट है, दूसरे हाथ में इंसानियत को रखिए, वरना आप में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। बनवारी साहब, बनवारी साहब, ड्रेस रेडी है? सुनो सुनो बाबूजी, टेढ़ी ठेढ़ी। अरे बनवारी जी, कंडक्टर का ड्रेस रेडी है या नहीं है? तो क्या ड्रेस बेच खाया, ड्रेस बेच पिया? अरे नहीं, वो मेरी बेटी ले गई। अरे बाप, तो कंडक्टर का ड्रेस ट्राई करने के लिए तुम्हारी बेटी क्यों ले गई? अरे वो उसे नहीं सुना ना, वो किसी की नहीं सुनती, ले गई वो। अरे लेकिन मैंने तुमको पैसे एडवांस दिए थे ना, तो मैंने कहा था कि शाम को आकर, मैंने तुमसे कहा था कि तुमको शाम को आकर लेकर जाऊंगा। हाँ तो नहीं सुनती ना, कहाँ रहती है वो? वहाँ। चलो चलो बात करते हैं, चलते चलो। इस च्यवनप्राश में तो बहुत जान है। च्यवनप्राश नहीं, अमृत धाराओं में आइए। अरे यार तुम सीधा नहीं चल सकते हो? मेरा सीधा चलना बड़ा मुश्किल है। नौजवानों सीधा चलो जी। वो क्या है कि शराब पीता हूँ ना मैं बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर मैं आया दुकान पे। यहाँ रहती है? हाँ तो नहीं, ये तो चल रही है। हाँ हाँ चल रही है। तो मैं क्या तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी क्या? ये तो गोल गोल पकड़ के रहूंगी तुझे। ये तो गोल गोल घूम रही है। हाँ घूम रही है। तो ये आपकी कौन लगती है? बेटी। तो इसकी टांग खराब नहीं है? अरे इसकी टांग नहीं, आपकी खोपड़ी खराब है। अरे इसका तो बस से एक्सीडेंट हो गया था। हाँ बस का एक्सीडेंट हुआ था, टांग में चोट आई थी, फिर 2-3 दिन अस्पताल में छुट्टी बना के आ गई। लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट तो चल रहा होगा, कोई दवा दारू? अरे इसकी दवा बंद, मेरी दवा चालू है। चलो चलो। नहीं 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 नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरा कंडक्टर ड्रेस यहीं ले आइए,
क्या है कि अचानक अगर मैं आपके घर आ गया ना तो आपकी बिटिया को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत शरीफ है ना बेचारी। बहुत ज्यादा शरीफ। नहीं 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 नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत ही जरूरत से ज्यादा शरीफ है। जाइए आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबरा काहे घबरा। बस खड़ी है और दारू चल रही है, तूने टायर वायर कुछ भेज दिया। नहीं नहीं सुन 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 दीपक, सुन सुन रुक रुक सुन सुन, तू पेड़ मत गिन आम खा, सीट बीट इंजन विंजन टायर वायर सब कुछ अपनी जगह पे है। बस की लाइट चालू है? जुगनू चालू है। मतलब? बस में जुगनू हो शायद। एक जुगनू की इतनी लाइट नहीं होती है? क्या मालूम पूरी जॉइंट फैमिली हो। तू बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे बस को देखना पड़ेगा। अरे किसी का चोरी छुपे काम देखना अच्छा नहीं है, बैड मैनर्स। काम जुगनू का है, देख मैं रहा हूँ, तुझे तकलीफ हो रही है। अरे तो आधे घंटे बाद जाना, उन्होंने एक घंटे के लिए कहा था। किसने? काउप्ले। हाँ? COUPLE। कपल? एक मेल एक फीमेल। अबे तूने, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग पे शराब चढ़ गई है। और इन सालों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे घर की आंटी ने पहले ही मेरे नाक में दम कर रखा है, गांव की पुलिस पकड़ लेती तो मेरी नाक कट जाती। पटिया जरा के लिए मैं। ए अंदर वाला बाहर निकलो। रुकावट के लिए खेद है। अरे चल चल जल्दी आ, जल्दी चल। अरे रे 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 रे। तुम इस हालत में यहाँ क्यों आ गई? तुमको तो घर पे आराम करना चाहिए था। छोटी की स्कूल की फीस देनी है, घर पे बैठे रहने से क्या होता। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं ये सिलसिला ही खत्म कर देना चाहता हूँ हमेशा के लिए। नहीं मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हारे हिसाब किताब में जो हेर फेर है ना, मैं उसको हमेशा के लिए ढेर कर देना चाहता हूँ। तुम्हें जो ये कपड़े का शोरूम खोलना है, बहन की शादी में सोने के सिक्के बांटने, सब हो जाएगा। पानी पियोगी? पटके का ठंडा है। अंदर आओ ना। बैठी 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 ना बैठी। अरे बैठा। ये बैसाखी कितने मिली? क्यों नहीं, इसके बगैर तुम्हारा चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना। अरे ये बंबू की लगती है। सच बताओ, जब भी मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे बुखार आ जाता है। मैंने बड़ी पूछताछ की, तब जाके ये जानकारी हासिल हुई है कि ये अच्छा नहीं है। क्या? तुम अपने साथ बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो। कौन, किसने कहा? नहीं उनकी सुन के मैंने ये फैसला ले लिया है। मुझे जल्दी है, मैं जरा। सच का चेहरा कील और मुहासों का होता है, लेकिन आज आज तुम्हें यह सच सुनना पड़ेगा। डॉक्टरों का कहना है कि टांग काटनी पड़ेगी, जब पुरानी जाएगी तब नहीं आएगी, वो बनावटी वाली। बनावटी वाली? हाँ एकदम असली लगती है। चलना फिरना उठना बैठना, इंडियन टॉयलेट वेस्टर्न कमोड सब कुछ पॉसिबल है। अब एंड आई विल टेल यू विद द न्यू टेक्नोलॉजी, आजकल डॉक्टर लोग ऐसे टांग काटते हैं जैसे कि पेस्ट्री। मेरा पैर कटेगा? नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं कराना है। क्यों, तुम ठीक नहीं होना चाहती हो? हाँ नाचो झुमरी देखी थी कि नहीं तुमने? नेशनल अवार्ड मिस करोगी, कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो तुम। अरे तुम हीरोइन बन सकती हो। मैं हमारी फैमिली डॉक्टर से इलाज करवा लूंगी, आप बस पैसे देते रहना। हाँ 1,00,000 रुपए दूंगा डॉक्टर तुमको सिर्फ मैं ठीक करूंगा। बाहर ऑटो रिक्शा खड़ा है ना, चलो अभी के अभी चलते हैं और तुम्हारा ऑपरेशन कराते हैं। इतनी जल्दी में क्या है? क्यों शुभकाम में देरी क्यों करें? हाँ मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इन्फेक्शन फैल गया तो। नहीं मैं ऑफिस में ताला लगाता हूँ और चाबी ना पर्स में डाल के लेकर आता हूँ। अरे ओए ये बैसाखी लेकर जाओ।
किसी और को बेवकूफ बनाने के काम आएगी। दौड़ना है तो नेशनल रेस में दौड़ो, दिल्ली मुंबई मैराथन रेस में दौड़ो। पहले तुम्हारे पिताजी पता नहीं किस गम में फिर जाते हैं, उनको एक और मौका मत दो पीने का। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या खर्चा तो मुझे उठाना पड़ेगा ना, तुमको क्या है? तुम तो भाना निकाल लेती हो निकालने का। एक मैं हूँ जो तुम्हारे हर झूठ को सच मान लेता हूँ, और एक तुम हो जो सच में यकीन ही नहीं रखती, समझती है अपने आप को क्वीन ऑफ इंडिया। दुकान पर पड़ी थी पर उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो बोला पहले तुम मुझे पहले का पैसा दो, फिर मैं तुम्हें दाल चावल और तेल दूंगा। मेरे को भी साले वीरू सेठ ने बोला कि पहले पिछले पैसे दो तो शराब दूंगा। अरे अरे, अरे मैं कोई भाग रहा हूँ क्या बाबा? पैसे दूंगा ना। तुम्हें थोड़ी तकलीफ देना चाहता था। जो घर में है वो कम है क्या? बेशर्मी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बड़ी भूख लगी थी। होटल्स खुले हुए हैं। लेकिन मैं होटल में खाना पसंद नहीं करता, घर का खाना पसंद करता हूँ, और हो सके तो घर वालों के साथ खाना पसंद करूँगा। हमें किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाओ यहाँ से। दीदी बाबू, बाबू। अब इसको हमदर्दी मत समझना, भले बस के भाड़े का पैसा बाद में दे देना, मगर इनको अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तुम जा सकते हो, मेरे लिए ये रोज का है। देखो तुम इस तरह मुझसे कटी-कटी रहोगी ना तो किसी दिन सब्जी समझकर तड़का लगा दूंगा। अरे एक दिन मैं तुम्हारी चोरी क्या पकड़ ली कि तुम उखड़ी रहती हो हमेशा, चलता है जिंदगी है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे भड़काने वाला वो वकील था, तुम्हारा जीजू। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे लंगड़ा घोड़ा बना के तुम्हारे साथ शतरंज का खेल खेल रहे हैं। वैसे मुझे भी तुम्हें छेड़ने में मजा आ रहा था, और पैसा तो समझ लो कि गुजारा बाबूजी के कपड़े काटने से नहीं हमारे पेट काटने से हो रहा है। वैसे ये बाटली वाला बाबूजी बाटली में उतरे कब से? 7 साल हो गए दीदी को गुजरे हुए। ओ I'm sorry। पढ़ाई करना चाहती थी दीदी, लेकिन बाबू ने विदाई कर दी उनकी जबरदस्ती, और फिर उनके ससुराल की मांगे इतनी बढ़ने लगी कि कुछ ही महीनों की थी मुन्नी जब दीदी ने। तो तब से तुम्हारे बाबूजी ने खुद को माफ नहीं किया, समझ सकता हूँ। आजकल उनके दिल का बोझ मैं हूँ, इन जिम्मेदारियों की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती, ऐसा उन्हें लगता है। और तुम्हें क्या लगता है? डर। क्यों?
शादी के नाम से डरती हूँ, मेरा भी हाल दीदी जैसा ना हो। अरे तुम बिंदास बैंड बजवाओ बारात का, अगर तुम्हारा घर राशन से, दिल खुशियों से और गोद बच्चों से ना भर दूं तो मेरा भी नाम। टमाटर या सैंडल? क्या मारोगे तो नहीं तुम, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही दिन कह दिया था कि तुम्हारी तरफ नजर उठा के ना देखूं। तब से मैंने भी अपने दिल को, मेरा मतलब है कि नजरों को बहुत संभाला, और आज देख लिया। तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी तरफ देख रही हूँ और ऐसे ही देखती रहूंगी हमेशा। देखो तुम कह रही हो तो फिर मैं ये कदम उठा रहा हूँ, मेरा मतलब है कि अपनी नजर उठा रहा हूँ, तो मैं इस बात को पक्का समझू? पक्का। अब देखो भी मेरी तरफ। अरे बोलना, तू बवाल मचाए, क्यों कुछ गड़बड़ हुई क्या? मैंने हरिलाल को देखा। प्रणाम भगवान। गल्ला चोर साले, मेरे पैसे लेके भाग गया। तेरे को तो मैं तुम्हारे लौट रहे। हाँ क्यों भाई, नाम है तेरा हरी, करता है चोरी। हाँ मामा इतने शरीफ है और बेटा टपोरी। अबे तुझे, अबे इसको मैं मार क्यों ना कभी से? नहीं नहीं मार रहा है, मेरा दिमाग सनका हुआ है। मैं सोच रहा हूँ ये बसंती लाल और ये दोनों को तो मैं लाता मारूं। भाग गया है, कहाँ गया, चटक गया है? तेरे चक्कर में भाग गया। देखा तो क्या मुझे मारोगे? पागल हो गया तू? तेरे से इतने पैसे लिए, मैं पैसे नहीं लिया तो मारते। अबे तू मुझसे क्यों लड़ रहा है? तू उसको पकड़, थोड़ा उसको उधर देख। क्या है? क्या है? यूनियन ने एक फैसला किया और मुझे उस पर फिसलना है। नहीं, संभल के चलना है। यूनियन आपको एक और मौका देना चाहती, लेकिन मेरा मसला जो है वो पुलिस तक पहुंच गया है। अब जब बात मेरे और पुलिस के बीच में है तो ये यूनियन ये बीच में आकर दया क्यों करना चाहती? आपने हरिलाल को बेरहमी से पीटा। पीटा नहीं मैं। क्या लगता है आपको कि हम लोग चुप बैठेंगे, चुप्पी साध लेंगे? पीटा नहीं मैंने। हम लोग जब बाजार जाते हैं तो सब्जी वब्जी खरीदते ना थैले में, बस उस थैले की तरह उठा दिया था। खैर जो हुआ सो हुआ। अब यूनियन की मांग है कि आप हरिलाल से माफी मांग लें, उसे तनख्वाह दें, हरजाना भी दें और उसे नौकरी पे वापस रख लें बस। इस किस्म की बेतुकी मांगे मांगने के लिए ना आपको चौक के ऊपर सम्मान मिलना चाहिए। ए, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अच्छा, साहब की फुफकार देख कर कैचुए भी मुंह खोलने लगे? अब क्या एक्टिंग करूं डरने की? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौका मिलेगा तुम। इस बार कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि इस किस्म का दिया हुआ हर मौका दीवार पर फेंकी हुई गेंद की तरह है, जो लौटकर तुम्हीं पर वापिस आएगा। बसंती लाल जी, हॉर्न बजा के निकल लो, रास्ता ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा भैया, मैं भी इस यूनियन का मेंबर हूँ, रोज का उठना बैठना। गजेंद्र भैया, एबीएमयू जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गजेंद्र भैया।
मेकअप देख रहा है मालिक शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। साले ने पट्टी की पगड़ी बांधी हुई दिखाने के लिए जैसे तूने इसको इतना धुना है। जिंदाबाद मालिक शाही जिंदाबाद। क्या बात है सिंह, बिना इतला किए मोर्चा लेकर आ गए? क्या है निर्मल कुमार साहब, मालिकों की तानाशाही का जवाब हम मजदूरों को देना ही पड़ता है। तो आप हैं चल चला चल के मालिक? हाँ, और कंडक्टर भी हूँ। मास्टर ओमकार नाथ जी के बेटे दीपक जी। मिस्टर दीपक, मैं यहाँ का लेबर ऑफिसर हूँ, मजदूरों के लिए काम करता हूँ, लेकिन कुछ मालिकों की परेशानियां भी समझता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मालिक और मजदूर के बीच अगर इस तरह के हालात बहुत लंबे अरसे तक बने रहें तो इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल। मैं सुलह कराने की कोशिश कर सकता हूँ, आपको कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, बल्कि जंगल राज के अंदर अगर आपके बात करने से कुछ मंगल हो सकता है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कौन सी बात। गजेंद्र भैया वही रोना है निर्मल साहब, मालिक की लापरवाही की वजह से चोर कोई पैसे पे डल्ला मार गया और क्या। बिल्कुल गलत बात है ये, सारा का सारा कलेक्शन हरिलाल के पास था, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सारा कलेक्शन जी, इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है दीपक। क्यों? और चोरी के बाद इन्होंने नौकर को ऐसे काम से हटाया जैसे खेत में घुसा हुआ ढोर डंगर। सब उल्टी बातें कर रहे हैं आप, हरिलाल मेरे यहां से काम छोड़कर चला गया, मैंने हरिलाल को काम पर से नहीं निकाला, समझे? इनका सच सच हमारा सच झूठ, पूछिए इनसे हरिलाल पे इन्होंने हमला किया था या ये भी झूठ है, 10 गवाह पेश कर सकता हूँ निर्मल साहब। अरे कोई चोर अगर मेरे यहाँ से चोरी कर फरार होता है और सामने आता है तो मैं क्या पूजा करूंगा उसकी? हैरत की बात तो ये है दीपक कि चोरी होने के बाद भी तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सिर्फ इंसानियत की वजह से, हरिलाल चोर है इसमें उसके माँ बाप का क्या कसूर है? उन बूढ़े माँ बाप की शक्ल देखी आपने? बहुत बार सुन चुके हैं ये राम कहानी, कोई गधा भी इस पे यकीन नहीं करेगा निर्मल साहब। बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप, इंसानियत और शराफत की राम कहानी के ऊपर कभी कोई गधा यकीन कर ही नहीं सकता। ज़बान संभाल के, चार पैसे जेब में आ जाने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, बिजनेस का सेंस होना चाहिए। अबे तू कदर कर अपने इस रंग के, किसी भी रंग का गमछा अपने कंधे के ऊपर डाल लेने से कोई भी निठल्ला आदमी नेता नहीं बनता, समझे तू? उसके लिए कुछ सोच के अंदर गहराई होनी चाहिए, कोई नीति कुछ उसूल के अंदर विश्वास होना चाहिए। दीपक बात करता है, थोड़ा आराम से। सर, मैं इस नेता के बच्चे से एक बात पूछना चाहता हूं कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के ऊपर कभी दिन रात बस चलाई है इसने? कभी कोई बोझा उठाया है? कभी जनता से ठसाठस भरी हुई बस के अंदर कोई टिकट काटी है? कभी मजदूरी की नहीं है, मजदूरों का नेता बन गया है? ये कोई नेता वाला नेता नहीं है, ये लेता लेता वाला नेता है। आपने हमें यहां बुलाया किस लिए? जूते मारने के लिए। अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इसे मजदूर का सम्मान करना ही होगा, हरिलाल से माफी मांगनी होगी, उसे दोबारा नौकरी पर रखना होगा, तब तक ये मोर्चा हटेगा नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना बोरिया बिस्तरा लीजिए और सड़क पर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। बात बात पे सड़क पे उतर जाना, नारेबाजी करना, काम बंद कर देना, ये बात ठीक नहीं है सिंह। इनकी कंपनी ने 2-4 चूल्हे जलाने की जिम्मेदारी उठाई है और तुम लोग आग भड़काने में लगे हो। आप ये बताइए, आप हमारी तरफ हैं या इनकी? आप लेबर ऑफिसर हैं या मालिकों के ऑफिसर? सिंह, हर आदमी हर वक्त या तो यहां या तो वहां, ब्लैक या व्हाइट, राइट या लेफ्ट, ऐसे किनारा नहीं कर सकता। हर चांद का काला पहलू होता है और ये बात थोड़ी ईमानदारी के साथ हम सभी को मान लेनी चाहिए। ये बात सच है कि हरिलाल पैसा लेकर भाग गया, लेकिन इसने कहा, इसने एक गरीब मजदूर पर बिना सबूत का इल्जाम लगा रहे हैं आप। पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया है। कितने पैसे देकर खरीदा इसको? सिंह, माइंड योर टंग, ऑल राइट। पार्किंग, कैंटीन, लाइसेंस, परमिट, हर मुकाम पे तुम्हारे कट्स होते हैं। साले सरकारी कीड़े। अरे छोड़ उसको। देखिए, इनका झगड़ा मेरे साथ है, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? और तुम सुनो, तुम्हारा पंगा मेरे साथ है, इन पे वार क्यों करते हो? हाँ, मैं यहाँ पर खुले दिमाग से आया था,
लेकिन मैंने ये देख लिया कि सुलह का संगीत जो है बहरों के कानों में बजना नामुमकिन है, इसलिए आज से इस विषय के ऊपर मेरे भी दरवाजे बंद है। दीपक तुम आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठिए, आपकी नियत में खोट नहीं है, खोट इस कुर्सी के अंदर है, बल्कि इस कुर्सी में भी खोट नहीं है। एक शरीफ आदमी इस कुर्सी में बैठा नहीं कि बेचारे का काम ही बैठ जाता है, इस देश का सिस्टम ऐसा हो गया है, इसलिए आप बैठिए, मैं इस किस्से को अपनी तरह से निपटाऊंगा, कुछ भलाई भी करूंगा और जरूरत पड़ी तो धुलाई भी करूंगा। गाड़ी धुएं में कार्बन ज्यादा छोड़ रही है, मेरा शक है पीयूसी गड़बड़ है। अभी तो चेक कर अगर सर्टिफिकेट लिया था, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी दिलचस्पी लेन देन में, वरना टांग उठाकर टायर खराब करने वाला कुत्ता भी बोल सकता है कि टायर नए हैं। और पैचेस इसलिए पड़े हुए क्योंकि गाड़ी सड़क के ऊपर नहीं गड्ढों के ऊपर चलती है, और यह भारत है, यहाँ पर चूहा तिल चट्टा गाय बकरी भिखारी कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर घुस सकता है। और ये वाइपर के साथ आपने ये झपताल और तीतल का खेल कहाँ से सीखा, किसी कोटे से ट्रेनिंग लेते हैं क्या? व्हीकल इंस्पेक्टर की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें, इसका जवाब देना पड़ेगा। हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। ये मिठाई के डब्बे, सोने के सिक्के, ये नोटों की गड्डी, इसका कोई बिल संभाल कर रखते है कि नहीं घर के अंदर? ये जीजा साले के रिश्ते का लिहाज नहीं होता ना तो घर का भेदी मैं भी अच्छा बन सकता हूँ। सुंदर भाई, सुंदर भाई, ओ सुंदर भाई, सुंदर भाई, हम ये बस आज रात को यहाँ खड़ी नहीं कर सकते, चाबी मेरे को तो हटा दो। उस पेकर टेलर ने काटा क्या? उसे अभी भिजवा के आया हूँ, चल तुझे भी पहुँचा के आता हूँ। नहीं नहीं, कसम से कह रहा हूँ, वो सिंह है ना सिंह, उसके सिंह निकला है यार, वो इस बस को तोड़ने के लिए पार्टी ऑफिस में जोर शोर से तैयारी कर रहा है, मेरे को चाबी तो मैं हटा के आता हूँ। तुमने मुझे बताकर ये बड़ा जोखिम भरा काम किया है, तुम यूनियन के आदमी हो, पकड़े जाओगे कहीं के नहीं रहोगे, ये काम मुझे करना पड़ेगा। Oh, my God.
दीपक यहाँ मत बैठो, वो लोग घर पे भी हमला कर सकते हैं, हमें चल के कम घर सेव करना चाहिए। ये साले बहुत कमीने लोग हैं, ये कहीं जाके कुछ नहीं, भी होने दूंगा। घबरा मत तुम लोग, आखिर क्या करके दम लोगे तुम? हाँ इसमें मेरा कसूर नहीं, का जवाब पत्थर नहीं होता, ऐसा मत करो बेटा। वो बेटा ही क्या बाबूजी, जो अपने बाप पे उठा हुआ हाथ ना तोड़ दे। दीपक मेरी बात सुनते जाइए, पुलिस ने यहाँ फोन किया था, आपको ढूंढ रही है। ढूंढ रही है? क्यों ढूंढ रही है? जिनको ढूंढना चाहिए वो तो देश में बड़ी इज्जत से घूम रहे हैं। बस कर, बस कर। अब हमें क्या पता तुम बाहर क्या धंधे करते हो, क्या हरकतें करते हो, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, यू हैव ब्रोकन द लॉ। आप अपना मुंह बंद रखिए। अरे क्यों मुंह बंद रखे भाई साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं भुगतना तो हम सबको पड़ता है ना, ये देख रहे क्या हालत कर गए वो लोग। देखो देखो, इस घर की औरतें बच्चे रात को बिना डरे सो पाएंगे हैं? दीपक तुम हम सबसे छोटे हो, इसलिए बाबूजी के सबसे लाडले हो, इस उम्र में जब तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए वो तुम्हें संभाल रहे हैं। आपको सचमुच वकील की जरूरत नहीं है? जी नहीं सर, सीधे सीधे सच बोलने के लिए मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मेरे पास उन सारे सवालों के जवाब हैं जो इस केस में अहमियत रखते हैं। सर उस रात हम हरिलाल की मांगे लेकर दीपक जी से मिलने गए थे, लेकिन उल्टा इन्होंने हम पे ही हमला कर दिया सर। और सर इससे पहले भी इन्होंने कई बार हमारे साथ झगड़ा किया सर, हम कसम खा के कह रहे हैं सर। उस रात दीपक ने मारधार शुरू की तो फिर हमने भी हाथ उठा दिया लेकिन बचाव के लिए, और फिर बस कंडम हो गई। जब मिस्टर सिंह हमारे हॉस्पिटल में आए उनकी हालत बहुत खराब थी और उनकी जान को भी खतरा था। मिस्टर दीपक वैसे भी गुस्सेल इंसान है योर ऑनर, मारधार पे उतर आना धमकाना यह इनकी पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। यह है हरिलाल के माता पिता का एफिडेविट, और मुझे तो इतना मारा कि बस पूछो मत। मुझे और ड्राइवर बसंती लाल को बात बात पे धमकाते रहते थे। मैं तो सिर्फ इनका घर खरीदना चाहता था, वो भी अच्छी कीमत पर, बड़े प्यार से राजी खुशी, लेकिन इन्होंने गुंडे भेज दिए मुझे धमकाने के लिए कि मेरे जीजाओं को भड़काना बंद करो। इज इट डन? नो यू टेल मी, इज इट डन? किसी के निजी मामले में दखल देना ठीक नहीं, यह मैं भी समझता हूं, लेकिन एक बस मालिक की हैसियत से मिस्टर दीपक का अपने पैसेंजर्स के साथ सुलूक कैसा था इसका एक नमूना पेश करना चाहता हूं।
मतलब बात करते थे तो लगता था कि कुछ अच्छा नहीं है, मर्द जात बोल के छोड़ दिया, लेकिन एक दिन तो अचानक मेरा हाथी पकड़ लिया। कितने झगड़े होते थे इनके आरटीओ ऑफिसर से, ऑफिसर की गाड़ी रुकी नहीं कि झगड़े चालू, पैसेंजर गए तेल लेने, एक बार तो आरटीओ ऑफिसर की गाड़ी की कांच तक तोड़ा ली इन्होंने। और वो शरीफ ऑफिसर इस अदालत में गवाही देने के लिए नहीं आना चाहते क्योंकि दीपक उनका साला है। दीपक को हो ना हो उन्हें इस रिश्ते का लिहाज जरूर है। एक और बात योर ऑनर, दीपक के दूसरे जीजा जी वकील हैं और यह सोचने वाली बात है कि एक वकील जीजा अपने साले का केस क्यों नहीं लेना चाहता। आई थिंक योर ऑनर ही इज अ सोशल आउटलॉ। मिस्टर दीपक आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूं सरकार, कोर्ट में आकर तो मुझे पहली बार यह मालूम पड़ा है कि सच बोलने के लिए सच काफी नहीं होता है, उसके लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है। और ऐसा सच जो सिर्फ दो आदमियों के बीच हुआ हो उसको तो भगवान भी साबित नहीं कर सकते। ये धोबन, ये हरिलाल, ये बिल्डर, ये मवाली, ये कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे घर में काफी तोड़फोड़ की, मैं चाहूं तो इनके इल्जाम पलटकर इनके पर दो गुना लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है ये कोर्ट सच बोलने की जगह है। ये अलग बात है कि दुनिया ने इसे सच बनाने का कारखाना बना दिया है। इन लोगों ने मेरी जिंदगी को ऐसे देखा जैसे कि चार पांच अंधों ने अपने हाथों से टटोल टटोल कर किसी हाथी को देखा हो। किसी को उसके चार पांव जो है मंडप के चार बंबू नजर आते हैं तो किसी को उसकी पूंछ झाड़ू। मेरे दुश्मनों की चुभती हुई महकती मोहब्बत उनको चार गुना ज्यादा शहर से लेकर जंगलों तक दौड़ा दौड़ा कर दी जाएगी, तब जाकर उनको होश आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपको सारी बातें जो हैं, सारे किस्से पूरे बताने होंगे, घर के, शहर के, काम के, बस के। देख लिया आपने अपने लाड प्यार का नतीजा, उसकी वजह से इस उम्र में भी क्या क्या सहना पड़ रहा है आपको। सुन लिया बाबूजी, सुन लिया आपने। अरे वहां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, लाओ अलमारी की चाबी लाओ, मैं ऑफिस का किराया दे मारता हूँ मालिक के मुंह पर। आपके लॉकर में पैसे कहाँ है, बैंक से निकलवाने पड़ेंगे। अरे आप क्यों निकालेंगे बैंक से पैसे, जो करे वो भुगते। देखा बाबूजी, देखा आपने, अगर आपने ये मकान बेच दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे चार पैसे हाथ में होते, चार घर में होते, चार मुट्ठी में होते, लेकिन नहीं, आपकी जिद। आज तक आपने कभी हमारी कोई बात नहीं मानी। क्या करें, अपने ही दांत, अपने ही होंठ। बंद करो ये नौटंकी तुम दोनों, अभी भी मेरे कंधों में जोर है, इस बोझ को कैसे हल्का करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर ये दो अर्जियां आई हैं। इजाजत। लेबर ऑफिसर निर्मल कुमार। यूनियन लीडर सिंह और दीपक के बीच मैंने सुलह कराने की कोशिश की, ये तब की बात है योर ऑनर। सिंह ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारने चला था वो, लेकिन दीपक ने उसे रोक लिया। लेकिन दीपक की समझदारी और ईमानदारी से मैं इतना प्रभावित हुआ योर ऑनर कि एक लेबर ऑफिसर होने के बाद भी मैं एक मालिक की तरफदारी करने चला आया। और ये दूसरी अर्जी वाले साहब कहां है? बस ड्राइवर बसंती लाल। खराबी तो है सरकार मेरे मालिक में, लोग दिमाग से काम लेते हैं, दिल से दुनिया से उलझते हैं, बस यही है खराबी है। जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होते हैं, जब प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। बड़ा खट्टा मीठा इंसान है साहब, बिल्कुल कच्चे पक्के आम की तरह। लेकिन वो जानता है कि जब ये भड़के हैं तब भी हमारी गलती थी और जब ये प्यार करते थे तब भी हमारी गलती थी। अरे मेरी और हरिलाल की तो कई गलतियों पर इन्होंने मामूली डांट टपट करके हमको रफा दफा करके माफ कर दिया। आज तक तो मैं सिंह साहब के डर से खामोश रहा और मैं ये भी जानता हूं कि शायद इनसे पंगा लेना मुझे भारी पड़ सकता है, लेकिन इस शरीफ इंसान की इंसानियत, लगन और मिठास मुझे यहां तक खींच लाई।
और आज मैं ये तमाम हिम्मत को जोड़ के बोल सकता हूँ, ये सिंह ने हमारे मालिक की बस को तोड़ा और उनको मारने की कोशिश की, और ये सब साजिश थी, सब प्लानिंग थी। क्योंकि मैं अपने ही किसी काम से यूनियन के ऑफिस में गया, वहाँ मैंने देखा सिंह अपने जूनियर्स के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा था, साजिश कर रहा था मेरे साहब को तकलीफ देने के लिए। साहब अदालत ने इस मामले को इंसानियत के जज्बे से देखने की कोशिश की है, ठोस सबूतों की कमी दोनों तरफ से थी और फैसला लेना मुश्किल काम था, लेकिन न्याय की शुरुआत कानून की किताबों से नहीं सद्विवेक से होती है। इस अदालत ने भी वही कोशिश की है। अदालत दीपक को एक इशारा देती है, दुनिया मेरे साथ भला करेगी क्योंकि मैं दिल का भला हूं, ऐसा मानकर चलना गलत है, क्योंकि सांड जब चल के आता है तो वो सामने वाला आदमी शाकाहारी है या मांसाहारी ये नहीं देखता। गजेंद्र सिंह ने दीपक पर जो जान लेने के इल्जाम लगाए हैं, अदालत उन्हें बेबुनियाद मानती है और दीपक को बेकसूर ठहराती है। अरे ये तो नई से भी ज्यादा नई लग रही है, ये आपने इतना खर्चा कैसे किया? ये इतने पैसे कहाँ छुपा के रखे थे आपने? कुछ पाया कुछ खोया, अब अपना घर सिर्फ अपना नहीं रहा, कई लोगों का आशियाना बन गया है। घर बेच दिया क्या? मुझे घर नहीं तू चाहिए, क्योंकि कोई घर तेरे दिल जितना बड़ा नहीं हो सकता। मरते वक्त क्या कमाया कितना कमाया ये सब हिसाब लगाऊंगा, या तेरी ये खुशहाल आंखें देखकर शांति से मरूंगा? ऐसा क्यों बोलते बाबूजी? हाँ तुम सोचते हो मेरी सबसे बड़ी दौलत वो अपनी कमाई से बनाया हुआ घर है? नहीं बेटा, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो। तूने मेरे लिए बहुत किया है, थोड़ा मुझे करने दो। कितनी यादें बसी हैं उस घर में? यादें घर में नहीं, दिमाग में बसी हैं। ऐसे मुकाम आते रहेंगे। एक बात याद रखो, जहां सवेरा हो वहीं बसेरा होना चाहिए। जहां सच्चे रिश्तों का बसेरा है वहीं सवेरा है। तुम्हें टिकट लेने की क्या जरूरत है? आज से ये बस तुम्हारी और बस का मालिक भी तुम्हारा। आओ कमाल करते हैं।
से मिली है मनी से निगाहें, हनी ने बोला है फैला के बाहें कम। बैठे क्यों मन दूर जी, भाषाओं को दूर जी, बातें कर लो प्यार की, प्यार में इग्नोर जी, प्यार से खुद को निहाल करते हैं। चलना चलना चल चलना चल कमाल करते हैं। कह दिया हुजूर जी, आया हमें गुरूर जी, अब ना जाना छोड़ के जाना ना हमसे दूर जी, क्यों हमसे बहके सवाल करते हैं। चलना चलना कमाल करते हैं, चलना चलना कमाल करते हैं। मनी भी है हनी भी है, मनी भी है हनी भी है, मनी भी है हनी भी है, दिल में ठंडा ठंडी भी है। या 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 कमाल करते हैं, चलना चलना कमाल करते हैं, चल चला चल कमाल करते हैं, चलना चलना कमाल करते हैं, चल चला चल कमाल करते हैं। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.